32 GB के कार्ड में क्या होता है कि जब हम फॉर्मेट करते हैं ना, तो 32 GB में एक्चुअली जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो 29 मिनट की लिमिट आ जाती है, हर 29 मिनट पर फाइल कटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 32 GB का कार्ड जो होता है वो पुराने ज़माने का कार्ड है, तो उसके अंदर क्या होता है कि FAT32 में फॉर्मेट होता है। FAT32 में क्या होता है कि 4 GB की लिमिटेशन होती है कि हर 4 GB जैसे ही रीच करेगा फाइल साइज़, फाइल कट जाएगी, क्लोज हो जाएगी, नई फाइल बनेगी। तो अभी ये जो कार्ड पैकेट में से हमने निकाला है ये FAT32 का, फैक्ट्री से FAT32 का है, लेकिन जो 64 GB का कार्ड होता है, क्योंकि 32 GB का जो कार्ड होता है ना उसकी लिमिटेशन होती है कि उसको हमेशा FAT32 में ही फॉर्मेट करना पड़ेगा, बट अपना जो 32 से बड़ा कार्ड है वो दो तरीके से फॉर्मेट हो सकता है, FAT32 में भी फॉर्मेट हो सकता है, EXFAT में भी फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं FAT32 में फॉर्मेट करूँगा तो 64 GB या 32 GB से बड़े कार्ड की भी लिमिटेशन हो जाएगी कि वो 4-4 GB की फाइल बनाएगा। लेकिन अगर मैं 32 GB से बड़े कार्ड को फॉर्मेट करूँगा कैमरे से तो वो EXFAT में फॉर्मेट होती है। EXFAT की खासियत ये होती है वो 96 GB पे जाके कट लगाता है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 3-3.5 घंटे बाद फाइल कट लगेगा। तो बड़े कार्ड का फिर बेनिफिट यही होना चाहिए कि भाई अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो जनरली जब हम कार्ड, नया कार्ड डब्बे में से खोलते हैं ना, वो फैक्ट्री से FAT32 में आता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कैमरे को लगा के कार्ड को एक बार फ्रेश फॉर्मेट कर ले रहा हूँ वन टाइम। मतलब जब एक नया कार्ड हमने खरीदा तो नया कार्ड खरीदने के बाद बॉक्स में से निकालने के बाद उसे एक बार कैमरे से फॉर्मेट ज़रूर कराना चाहिए। अब रीज़न क्या होता है कि फॉर्मेटिंग जो है वो कंप्यूटर पे या कार्ड रीडर लगा के मैं कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ, बट कंप्यूटर से करने पे क्या नुकसान होगा कि कंप्यूटर में ना बहुत तरह की फॉर्मेटिंग होती है, वो कैमरे को समझ नहीं आती, कैमरे को सिर्फ FAT32 और EXFAT ही समझ आती है। तो बेटर ये रहता है, मतलब कई केसेस में ये देखा जाता है कि अगर मैं कंप्यूटर से कार्ड फॉर्मेट करता हूँ तो कैमरा कई बार उसको रिजेक्ट कर देता है, अनरिकग्नाइज कार्ड, अनसपोर्टेड कार्ड, ये क्योंकि वहाँ से फॉर्मेट करूँगा ना तो वो कुछ हद तक कंप्यूटर पे चलने लायक ही बचता है। लेकिन अगर मैं कैमरे से कार्ड फॉर्मेट करूँगा तो वो दोनों जगह चलेगा, यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि हम इसको कैमरे से एक बार फॉर्मेट कर लें। तो कैमरे से कैसे फॉर्मेट करना है, जैसे आपने अगर अभी कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी तो हम क्या करेंगे, मीनू में जाएंगे, जैसे यहाँ पे डायल के पास मीनू बटन है, मीनू में जाएंगे, मीनू में जाके यहाँ पे चाबी ऑप्शन है, अगर आप देखें लास्ट में चाबी का ऑप्शन आ रहा है, मीनू ये था मीनू, ये ना अंगूठे के पास मीनू, ये ना मीनू, मीनू में गएंगे। इसमें जैसे कई बार अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं या कोई दिक्कत आती है ना तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, चाबी सी चाबी, रेंच बना हुआ ना, श्री सी वेंच रेंच और रेंच, ठीक है। तो हमने चाबी बोलने का मतलब है ये नीला वाला, हाँ रेंच, चाबी सेटअप में गए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पेज नंबर आ रहे हैं, जैसे 1/4 आ रहा है, आप देख रहे हो, मतलब इस मीनू सेक्शन में देखो 4 पेजेस मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे 2/4, 3/4 एंड ये आ गया लास्ट में 4/4 एंड में, बिल्कुल एंड कमांड फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट में जाके मैं बोलूँगा यस, तो ये कमांड थोड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने कोई काम कर रखा है, इम्पोर्टेंट काम है और मेरा कोई डाटा मेमोरी कार्ड पे है, तो सबसे पहले मुझे कार्ड बैकअप लेना चाहिए, मतलब मेरा जो भी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग में है उसको मैं कंप्यूटर में कॉपी कर लूँगा, और जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मेरे कार्ड में कोई डाटा ऐसा नहीं है जिसको मिटाने से रिस्क है या डिलीट होने से रिस्क है, तो अब जैसे ये नया कार्ड है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, तो मैंने सिंपली इसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। तो ये कमांड थोड़ा ध्यान से यूज़ करनी चाहिए कि पहले हम कैमरे को प्ले करके देख लेंगे कि इसके अंदर कोई डाटा तो नहीं है, अगर डाटा है तो मैं इसको बैकअप लूँगा। तो फॉर्मेट कर दूँ? हाँ फॉर्मेट कर दूँ, हाँ यस कर दो, ठीक है। तो कार्ड मेरा इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। ये इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो फ्रेश कार्ड आता है ना वो फैक्ट्री से चाहे 3264 हो, FAT32 में होता है, जो कि आधे आधे घंटे की लिमिटेशन पे होता है रिकॉर्डिंग में, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन। लेकिन अगर सेम कार्ड को मैं 64 GB या 32 से बड़े कार्ड को मैं कैमरे से फॉर्मेट करा लूँगा तो वो ये स्पॉट पे पहुँच जाएगा, 96 GB वाली लिमिट पे आ जाएगा। 96 GB का मतलब है 3-3.5 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट बिना रुके, मतलब सिंगल 3.5 घंटे की वीडियो मिलेगी एक फाइल मेमोरी कार्ड पे, तो वो ज़्यादा बढ़िया। सो अगला ऑप्शन जो ज़रूरी है वो है हम इसका वर्जन नंबर चेक करेंगे।
जैसे हाँ मेनू में, मेनू बटन दबाया दोबारा, ब्रेंच में गए, ब्रेंच में जाके बाद आप देखो सर एक बार यहाँ पे 3x4, 3x4 में एक लैंग्वेज के नीचे वाला ऑप्शन है वर्जन डिस्प्ले, वर्जन डिस्प्ले में गया तो यहाँ पे देखो कैमरे की बॉडी का फ्रेमवेयर आया इज 1.0 और लेंस का फाइल, लेंस का भी फ्रेमवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन है 1.2। तो क्या होता है कि पैनासोनिक एनुअली हर साल लगभग हर मॉडल के 3-4 फ्रेमवेयर निकालते हैं, मतलब ये कस्टमर का फीडबैक होता है कि मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रही है और बेहतर होनी चाहिए। तो जो भी फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग पैनासोनिक क्या करती है, कैलिब्रेशन करती है कैमरे का और एक नया वर्जन निकाल देती है, और वो टाइम टू टाइम हमें ये वर्जन अपडेट करते रहना चाहिए। अब वर्जन अपडेट करते रहने चाहिए तो कहाँ मिलेगा वर्जन, पैनासोनिक की एक फ्रेमवेयर वेबसाइट है तो वो लिंक मैं आपसे शेयर करूँगा, फ्रेमवेयर वेबसाइट पे जाके हम वो फ्रेमवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जिप फाइल होती है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल निकलती है बिन और लिन, बॉडी के लिए निकलती है BIN बिन फाइल और लेंस के लिए निकलती है LIN लिन फाइल। तो अब जैसे मान लो एक कार्ड में यहाँ पे अभी अभी जैसे ये बॉडी आपने नया डब्बा खोला है कैमरे का तो 1.0 दिखा रहा है, बट वेबसाइट में मैं चेक करके आया हूँ इस कैमरे का नया वर्जन आ रहा था दैट इज़ 1.2। तो 1.2 मैं इस कार्ड पे लोड करके लाया हूँ कॉपी पेस्ट, तो इसी कार्ड से मैं दोनों कैमरे लोड कर लूँगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये जो हमारा नया वाला कार्ड था जिसको हमने FAT32 में EXFAT में फॉर्मेट करा वो हटाया और ये फ्रेमवेयर वाली मेमोरी कार्ड मैं डाल रहा हूँ इसमें। फ्रेमवेयर वाला मेमोरी कार्ड डालने के बाद वापसी मैं मेन्यू में जा रहा हूँ, मेन्यू में जाऊँगा, वर्जन डिस्प्ले में जाऊँगा और अच्छा इसमें ना एक शॉर्टकट कमांड है, वैसे ज़्यादातर पैनासोनिक कैमरे में एक ऑप्शन मेन्यू में और मिलता है अपडेट फ्रेमवेयर करके, अब यहाँ दिखा नहीं रहा तो उसका ट्रिक ये है कि जैसे मान लो मैंने पहले मेमोरी कार्ड में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, अपडेट सॉफ्टवेयर डाला हुआ डाउनलोड करके लाया हूँ जो मैं वेबसाइट से, वो मैंने डाल दिया और कैमरा ऑफ कर दिया। कैमरा ऑफ करने के बाद मैं जानबूझ के यहाँ पे प्ले के बटन को, ये जो फोटो वीडियो प्रीव्यू करने का बटन है प्ले, प्ले के बटन को दबा के मैं होल्ड कर लूँगा और दबा के होल्ड करने के बाद फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा राइट, तो वो मैसेज आ जाएगा, शॉर्टकट आ जाएगा, ये देखो ये आ गया ना, ये चीज़ें। तो मतलब जनरली क्या होता है मेरे को मीनू के अंदर जाके अपडेट फ्रेमवेयर का ऑप्शन मिलना चाहिए था बट इस वाले मॉडल में नहीं है, जैसे GH5 या बाकी लुमिक्स कैमरा जो आते हैं उसमें आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के मैंने ये प्ले का बटन दबाया और दबा के होल्ड करना, पुश एंड होल्ड राइट, होल्ड करके रखना, होल्ड करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑन करा तो वो शॉर्टकट कमांड आ जाएगी अभी, मतलब ऐसा होल्ड करने पर वो कार्ड पे चेक करता है। तो सेम इसी तरह लेंस का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो सकता है राइट, जैसे अभी बॉडी का कर रहा हूँ तो मैं इसको बोलूँगा यस, तो ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर रहा है। हाँ लेकिन इस वक्त कैमरा बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में राइट, क्योंकि इस वक्त अगर कैमरे की बैटरी निकाल दी या किसी भी तरीके से कैमरा बंद हो गया तो सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा, सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा तो ये सर्विस सेंटर जाएगा। और एक मैसेज एरर और भी आ सकता है, कई बार क्या होता है ना कि बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होती, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट जो होते हैं वो चारों रिप्रेजेंट करते हैं 25-25% है, चारों पॉइंट आ रहे हैं दैट मीन 100%। अगर एक भी पॉइंट कम होगा बैटरी चार्जिंग में तो हो सकता है ये मना कर दे, क्योंकि ये मैसेज देता है कि फुल्ली चार्ज बैटरी पे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, फ्रेमवेयर अपडेट करना चाहिए, अगर बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं है तो शायद अपडेट ना करें। तो आपको पहले बैटरी चार्ज करनी है, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर को मेमोरी कार्ड पे कॉपी करना है, कार्ड लगाना है और इस शॉर्टकट कमांड जो मैंने अभी कहा प्ले का बटन होल्ड करके फिर चालू करना है। थोड़ा टाइम लेता है बट ये नॉर्मली अपडेट्स जो होते हैं ये कीबोर्ड एक्टिविटी लेटेस्ट, मतलब हाँ मतलब ये तो लगा लो बाकी ब्रांड में आपको बहुत जगह पे फ्रेमवेयर साल दो साल तक नहीं मिलते, पैनासोनिक के हैं कि फीडबैक जो हमारा सिस्टम है उसमें फ्रेमवेयर अपडेट बहुत जल्दी जल्दी होता है। अच्छा। जल्दी जल्दी मतलब साल में 2-3 फ्रेमवेयर तो मिलेंगे। अच्छा। और नया वर्जन डालने का बेनिफिट ये होता है कैमरे की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कलर और बेहतर हो जाते हैं, ऑटो फोकस और बढ़िया हो जाता है, मतलब उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। जो भी कस्टमर यूज़र नोटिफाई करते हैं पैनासोनिक को ये चीज़ हमें और बेहतर करके दो, तो उस चीज़ को कैलिब्रेट करके पैनासोनिक नया फ्रेमवेयर बना देती है। तो अब ये लगा लो ये मॉडल इसी साल लॉन्च हुआ है और अभी तक 2 बार फ्रेमवेयर अपडेट हो चुका है। अच्छा।
1.1 पे नया कैमरा मार्केट में आता है 1 पे और अभी 1.2 चल रहा है। तो जैसे अभी हमने कैमरा खोला था 1 था, तो 1.1 तो मैं डाउनलोड करूंगा नहीं, मैंने सीधा 1.2 उतारा और उसको अपडेट करना शुरू कर दिया। अब जैसे मीनू में जाऊंगा और सेम उसी जगह पे अगर मैं इसको डिस्प्ले वर्जन देखूंगा तो देखो बॉडी का वर्जन हो गया 1.2, लेंस 1.2। अगर लेंस का भी कोई नया फर्मवेयर आ रखा होगा तो वो भी वहाँ नोटिफाइड होता है वेबसाइट पे, वहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बट दोनों फाइलों में फ़र्क है। इसका एक्सटेंशन होगा बॉडी कैमरे के बॉडी वाले का होगा BIN BIN और LIN LIN, और दोनों का तरीका सेम है अपडेट करने का, होगा ऐसे ही। ये भी हो गया, ठीक है, 1.2 हो गया। तो मतलब ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है जो हमें करते रहना चाहिए, इससे कैमरे की फीचर फंक्शन और बेटर होते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब सबसे पहले हमने क्या करा कि कैमरे में जैसे हमने बेस प्लेट लगाई ट्राइपॉड वाली, हाँ बंद कर दो, ट्राइपॉड वाली बेस प्लेट लगाई। बेस प्लेट लगाने के बाद हमने क्या करा कि कैमरे का वर्जन नंबर चेक करा। वर्जन नंबर चेक करने के बाद हमें लगा कि भाई पुराना है, वेबसाइट पे देखा हमने नया वर्जन भी डाल। उसके बाद क्या है कि अब जैसे ही आप कैमरे का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ना, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें मीनू में जाके, जैसे मान लो कैमरे का हमने फर्मवेयर अपडेट करा, आप उस वाले मॉडल पे फॉलो करते रहो साथ के साथ जो बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसमें आ भी जाएगा, आपके लिए रेफरेंस के लिए भी हो जाएगा। तो अब जैसे मीनू में गए, मीनू में जाके देखो एक रीसेट का ऑप्शन है। मीनू में गया, चाबी मतलब रेंज और 3x4 पेज नंबर 3x4 इसमें गया, तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है। तो रीसेट, अब जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि हम बोलते कैमरा रीसेट कर लो, तो कस्टमर सीधा जवाब क्वेश्चन करता है मेरा डाटा तो नहीं उड़ जाएगा। फॉर्मेट करना अलग चीज़ है, रीसेट करना मतलब कैमरे की सेटिंग रीसेट हो रही है, उसको लगता है रीसेट बटन मतलब सब कुछ, कैमरा भी रीसेट हो जाएगा, कार्ड भी रीसेट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ रीसेट कमांड का मतलब होता है कैमरे की जो सेटिंग्स है वो फैक्ट्री सेटिंग पे पहुंच जाएगी, डिफॉल्ट सेटिंग जैसा डब्बे में आया था। और फॉर्मेट करना थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि वहाँ पे आपको कार्ड का बैकअप लेके फिर फॉर्मेट करना चाहिए। तो अगर मान लो गलती से मैंने रीसेट कर भी दिया तो भी मेरे पास एक ऑप्शन है नो रीसेट, अंडू रीसेट। अच्छा, मतलब इसके अंदर इतनी समझदारी है कि अगर गलती से किसी ने मान लो कैमरे में कई तरह की सेटिंग्स होती है, अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ करा हुआ सेटिंग्स करी हुई हैं, तो अगर गलती से कोई रीसेट मार दे तो उसको अंडू भी कर सकते हैं, नो रीसेट। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर लोड करें, नया वर्जन लोड करें, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1.2 करा था, तो सबसे पहला काम है सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद ही रीसेट कर दो। अच्छा। रीसेट में कई तरह की सेटिंग पूछेगा, वाईफाई रीसेट, जैसे नेटवर्क रीसेट आ रहा, वाईफाई रीसेट, मैंने कहा जी कर दो एक इसका लूमिक्स क्लब, हाँ सब रीसेट मार दो, ओके, यस यस 3-4 बार यस बोलेगा ये। फेस रिकग्निशन भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लोगों के नाम सेव नहीं करते, राम श्याम मोहन, तो जब जिसका फ़ोन आता है उसका नाम चमकता है, तो ये बंद कैमरा जो है ये फेस रिकग्निशन कर सकता है। खैर वीडियो में नहीं छापेगा, फोटो में नहीं छापेगा, लेकिन जब ऑटो फोकस करूँगा ना, फेस ऑटो फोकस, तो अगर वीडियो के फ्रेम में, फ़ोटो के फ्रेम में राम आया तो राम के चेहरे का बॉक्स बना के नीचे राम का लेबल आ जाएगा, और श्याम आया तो श्याम आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि जैसे अल्फाबेटिकल होता है ना मोबाइल फ़ोन में, ABCD, ए वाले ऊपर आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, उसी तरह अगर मैं मोहन को एक नंबर पे सेव करूँगा, राम को दो, तो मोहन के फेस की प्रायोरिटी होगी 1, मतलब सबसे पहले मोहन के फेस को फ्रेम करेगा, फोकस करेगा। अगर मोहन फ्रेम से हट गया तो फिर बाकी लोगों को ढूंढेगा, राम तो नहीं है, श्याम तो नहीं है, तो 1, 2, 3 जो हायरार्की होगी उसके अकॉर्डिंग ही फोकस होगा। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसमें। तो फिलहाल ये कैमरा हो गया बिल्कुल 0, मतलब हमने नया डब्बा खोला, हमने सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लिया, हमने रीसेट भी कर लिया। एक इस कैमरे के अंदर वैसे लर्निंग कर्व नहीं है, अगर मैं इसको मीनू को ओपन करूंगा तो अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी जैसे मान लो कैमरा रीसेट करने के बाद आया तो ये मुझसे, क्योंकि नया कैमरा खोला था तो डेट टाइम मांग रहा था, अब ये डेट टाइम तो दोबारा नहीं मांगेगा बट होम एरिया मांगेगा। जैसे होम एरिया मैंने इसको कहा है इंडिया, अब जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया सेट कर दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वैसे तो इसमें लर्निंग कर्व नहीं है कि आपको मीनू में जाके सारी चीज़ें सेट करनी है, मीनू में जाके ऑप्शंस ओपन करोगे तभी कैमरा चलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
सारे कैमरे के फीचर फंक्शन बाहर बॉडी पे शॉर्टकट पे दिए हुए हैं, ये सब शॉर्टकट्स पे दिए हुए हैं, मुझे अंदर जाके कुछ नहीं करना। लेकिन जब मैं काम शुरू कर रहा हूँ कि मेक श्योर, एक सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है जो अंदर होती है काम शुरू करने से पहले, वो ऑन होनी चाहिए। तो वो कौन सी सेटिंग है, जैसे हम मीनू में गए और सी चाबी में गए, इसमें ये रहा कॉन्स्टेंट प्रीव्यू, मतलब ये कहाँ से आया, मैं बैक कर रहा हूँ। जैसे हमने मीनू में गए, यहाँ पे मीनू में गए, मतलब सारे लूमिक्स कैमरा है, क्योंकि ये सब कैमरा मिररलेस कैमराज हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कॉन्स्टेंट प्रीव्यू। कॉन्स्टेंट प्रीव्यू जैसे मैंने मीनू में गया, सी चाबी सी रेंच में गया, मॉनिटर एंड डिस्प्ले, मॉनिटर एंड डिस्प्ले पे गया, उसके बाद एक देखो 5x7 पेज पे, 5/7 पेज यहाँ लिखा हुआ है ना, 5x7, सो इस वाले पेज पे 5x7 पे स्क्रीन टच है तो इसलिए वो चेंज हो गया। 5x7 में गया, कॉन्स्टेंट प्रीव्यू, इसको हमेशा ऑन रखना है। अच्छा, ठीक है, इसको हमेशा ऑन रखना है, कॉन्स्टेंट प्रीव्यू को आपको ऑन रखना है, बगैर इसको ऑन करे कोई काम नहीं करना। अच्छा, कोई काम नहीं करना, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मिररलेस कैमरे हैं, मिररलेस कैमरा जो होता है वो जनरली मोबाइल फ़ोन की तरह चलता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कैमरे को छूने से पहले मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन ऑन हो। होगा क्या, अगर मान लो मैंने नया कैमरा खोला और मुझे ध्यान नहीं है इस फीचर का मतलब क्या, इससे होता क्या, और मैं इसको ऑन करना भूल जाता हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये कैमराज जो होते हैं ना, ये टोटली कंप्यूटराइज कैमरा होता है, मतलब इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं। एक्चुअली देखो, अभी मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ फोटो, ठीक है, या मान लो मैंने कैमरे को कर दिया मैनुअल मोड, ऑटो पे नहीं यूज़ कर रहा मैं, मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ एम, यहाँ पे जैसे मैंने इसको एम कर दिया, ठीक है, और एम करने के बाद एक शॉर्टकट यहाँ पे, मतलब इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में इसको मैंने शटर स्पीड ले लिया 50, मैंने अपर्चर ले लिया 3.9, ISO से हमने कर दिया, ISO कर दिया मान लो 400, और इस कंडीशन में मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। अब देखो ये यहाँ पे दिखा तो साफ रहा है, स्क्रीन पे दिखा तो साफ रहा है, या जैसे मान लो ये लेंस है, अब हम इस लेंस की फ़ोटो ले रहे हैं, ये देखो स्क्रीन पे उजाला कितना है। अभी स्क्रीन पे मेरे पास दिखा तो साफ रहा है, क्योंकि नॉर्मल हालात में जो मैं लेंस को देख रहा हूँ सेम वही कलर्स हैं, और मैं स्क्रीन पे प्रीव्यू कर रहा हूँ तो भी सेम कलर है, लेकिन क्लिक करने पे फोटो डार्क आ रही है। तो ये मतलब ये होता है, कॉन्स्टेंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है, जो दिखा रहा है वही खींचे, जो मेरे को प्रीव्यू हो रहा है, व्हाट आई सी व्हाट आई गेट, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टेंट प्रीव्यू ऑफ कर दूंगा तो कैमरा क्या करेगा, दिखाएगा तो साफ साफ, लेकिन अप्लाई सेटिंग करेगा ये वाली जो मैंने लगा रखी है, ये सेटिंग अप्लाई करेगा। अगर ये सेटिंग गलत होगी, जैसे मान लो मुझे अभी कैमरा चलाना नहीं आता, मैंने अभी नया नया कैमरा लिया, मैं सीख रहा हूँ, मुझे इन सेटिंग्स का मतलब नहीं पता, हो सकता है ये सेटिंग्स गलत हो इसीलिए डार्क फोटो आ रही है, लेकिन कैमरा आपको प्रीव्यू तो साफ करा रहा है, आपको कैमरा प्रीव्यू साफ करा रहा है लेकिन फोटो डार्क खींच रहा है, तो दोनों में फर्क आ गया कि देख कुछ रहे हो, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर मैं अंदर मीनू में जाके मॉनिटर डिस्प्ले के अंदर कॉन्स्टेंट प्रीव्यू ऑन कर दूंगा तो ये जनरली वही दिखाएगा, जो वही डाटा खींचेगा जो दिखा रहा है। देखो डार्क दिखाने लगा, अब मुझे अजीब लगेगा, अरे यहाँ तो लाइट अच्छी है, अच्छा खासा दिख रहा है, काला काला क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मेरा ध्यान फिर सेटिंग की तरफ जाएगा कि सेटिंग कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अरे ये तो अंडर एक्सपोज हो रहा है, तो मेरे को थोड़ी सी ISO बढ़ानी पड़ेगी, अब सही हो गया। तो मतलब जो दिख रहा है वही क्लिक होगा, हाँ, तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है मिररलेस कैमरे में, जनरली ये सेटिंग होती है, इसको कॉन्स्टेंट प्रीव्यू बोलते हैं। कॉन्स्टेंट प्रीव्यू का बेनिफिट ये होता है कि कैमरा गलती नहीं करेगा फिर, मतलब जो दिखाएगा वही खींचेगा, वरना क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जैसे कैमरा रीसेट भी अगर मैं कर देता हूँ, कैमरा रीसेट हो जाता है, तो उस केस में भी कॉन्स्टेंट प्रीव्यू ऑफ हो जाता है। इसका मतलब हर बार अगर मैं कैमरा रीसेट करता हूँ तो मेक श्योर कि मेरा कॉन्स्टेंट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन हो, बस सिर्फ एक इस सेटिंग का ध्यान देना और कोई ध्यान नहीं देना,
कॉन्स्टेंट प्रीव्यू ऑन करते क्या होगा कि जो कैमरे की सेटिंग हो रही होगी एक्चुअली वही खींचेगा, ठीक है, मतलब मेरे को धोखा नहीं होगा, मैं देख कुछ और रहा हूँ खींच कुछ और रहा हूँ वो नहीं होगा, जनरली ये सेटिंग मिररलेस में होती है, ठीक है। तो ये सेटिंग हो गई अंदर की, सिर्फ हम मीनू ऑपरेशन, इन सारे मीनू के बारे में भी समझेंगे धीरे धीरे बाद में, जैसे जैसे हमारे को हफ्ता 10 दिन कैमरे के साथ हो जाएगा हम धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखेंगे। तो इसके बाद इस कैमरे के अंदर लर्निंग कर्व जैसी कोई चीज़ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर ही दे रखी हैं। तो इस कैमरे को जब भी, हमारे सारे कैमरों में ना फीचर फंक्शन डायल बटन सेम है, मतलब हमारे सस्ता कैमरा उसमें भी 10 फीचर्स हैं, महंगा कैमरा उसमें भी 10 फीचर्स हैं, हाँ, लेकिन इस फर्क ये है कि महंगे कैमरे में वही 10 फीचर्स और ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है, ज़्यादा डिटेल एक्सटेंसिव है, छोटे वाले में वही थोड़ा ट्रिम डाउन वर्जन है, जैसे एक वो नहीं होता नोट 10 लाइट फ़ोन में लाइट वर्जन उसी तरीके से। तो लेकिन इससे बेनिफिट क्या है कि सारे कैमरों में फ़ीचर सेम होने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग सेम हो जाती है, ऑप्शन सेम हो जाते हैं। तो अगर मैं एक कैमरे में जो सीख रहा हूँ सेम उसको मैं दूसरे में लगा सकता हूँ। हो सकता है जैसे मान लो किसी फीचर के अंदर पोस्ट फोकस है कि फ़ोटो खींच के फोकस बाद में बदलने का जो ऑप्शन है, ये वाला कैमरा 249 पॉइंट्स करेगा, जैसे मान लो मैं इसको देखता हूँ, हाँ 49 पॉइंट्स करेगा, तो जो हमारा बड़ा वाला मॉडल है उसमें 225 पॉइंट्स का है। तो इस तरह, लेकिन ये नहीं है कि सस्ता कैमरा तो फीचर ही नहीं है, नहीं फीचर है बट छोटे दायरे में, ठीक है। तो इसमें ट्रेनिंग हमारे लिए इजी हो जाती है कि 5 चेक पॉइंट्स होते हैं, इन 5ों को मैं कर लूँगा ना तो मेरे को कैमरे को मीनू में जाके कुछ पढ़ने लिखने का कुछ होता नहीं है, बार बार है। सबसे जैसे पहली चीज़ है हमारा ये वाला डायल, मेन डायल जो है ड्राइव मोड बोलते हैं इसको, ड्राइव मोड। दूसरा ये फोटो वीडियो के ऑप्शन हैं यहाँ पे, सेकंड ड्राइव। तीसरा ड्राइव है ये फोकस वाला, यहाँ साइड में अंगूठे के पास, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे अंगूठे के पास, ये वाला, हाँ जी फोकस, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये वाला डिस्प्ले का बटन, राइट, ठीक है। इन 4ों से ही मेरा पूरा कैमरा ऑपरेट हो जाता है, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैमरे में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको मैं धीरे धीरे और एक्सप्लोर करूँगा तो सीखता जाऊँगा, लेकिन रोज का जो डेली ड्राइविंग का काम है वो मैं इन 4ों बटनों से कर सकता हूँ, मुझे और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बटन यहाँ पे प्ले का बटन है, जो भी आप फोटो वीडियो खींचोगे वो यहाँ प्ले बटन से दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ड्राइव लेटर है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो सारे आज समझने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है काम करने के लिए कि भाई नॉर्मल फोटो या नॉर्मल वीडियो में कैसे कैसे खींचूँ उसके लिए। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल फ्रेम बना हुआ है, सिंगल फ्रेम का मतलब है कि नॉर्मल फोटो या नॉर्मल वीडियो, अगर आपको नॉर्मल फोटो या नॉर्मल वीडियो खींचनी है तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम ऑप्शन पे होना चाहिए। इस पहले वाले सिंगल फ्रेम को छोड़ के बाकी जितने ऑप्शन दे रखे हैं ये स्पेशल फोटोग्राफी के मोड है, हम इसको बाद में करेंगे। आज हम, जैसे अगर मैं इस कैमरे को यूज़ करना चाहता हूँ तो यूज़ करने का सही तरीका क्या है कि ये सिंगल फ्रेम आपका एक्टिव होना चाहिए, सिंगल फ्रेम मतलब नॉर्मल फोटो नॉर्मल वीडियो, और इसके अलावा मैं किसी और मोड में जाता हूँ तो वो स्पेशल फोटोग्राफी के मोड्स हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम्स का मतलब है बर्स मोड, जैसे एक होता है सिंगल क्लिक, एक क्लिक करेंगे एक फोटो आएगी, एक होता है बर्स मोड, जैसे ही मैं बटन को दबा के होल्ड करूंगा वो क्लिक 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 करता रहेगा, तो ऑलमोस्ट 6 से 9 FPS है ये मैकेनिकल ब्लेड शटर पे। इससे अगले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये पैनासोनिक लूमिक्स का एक ऑप्शन है 4K बर्स मोड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शटर पे 1 सेकंड में 30 FPS फोटो खींचेगा। मतलब अगर मैं मान लो मुझे हाई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है, अब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, अब स्पोर्ट्स के जो फोटोग्राफर होते हैं वो ग्राउंड के कोने पे बैठे बड़े बड़े लेंस लेके काम करते हैं, बट उसके उनके कैमरे के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ज़रूरत होती है हाई स्पीड क्लिकिंग बर्स मोड। अब जैसे मैं हाई स्पीड क्लिकिंग मतलब अभी अगर मैं देखूं मार्केट के अंदर सबसे टॉप एंड कैमरा जो है वो 20 से 24 FPS देता है, मतलब 20 FPS बर्स्ट या 24 FPS बर्स्ट, लेकिन कैमरे की कीमत ऑलमोस्ट 4 लाख पहुंच जाती है। अगर मुझे मेरा काम, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता हूं और मुझे हाई स्पीड फोटोग्राफी ही चाहिए, तो इसका मतलब अगर मुझे 20 की स्पीड अचीव करनी है, 24 FPS की स्पीड अचीव करनी है फोटोग्राफी में, तो मुझे वो महंगा कैमरा खरीदना पड़ेगा, राइट। बट पैनासोनिक के इतने सस्ते से कैमरे के अंदर भी 30 FPS बर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक, और जो इसका बड़ा भाई है, जैसे मैंने कहा था ना फीचर हर जगह 10 ही बराबर होंगे,
लेकिन छोटा बड़ा जो इससे बड़ा मॉडल है जैसे GH5 5S उसके अंदर क्या है, एक सेकंड में 60 FPS है, 60 FPS का बर्स्ट मोड है। तो अब आप 400,000 खर्च करके 24 FPS हासिल कर रहे हो, वहाँ पे मेरे पास 60 FPS भी है। तो इस तरीके से फीचर्स बहुत बेनिफिशियरी फीचर्स हैं, तो आप इनको देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट ये अभी बाद में बताऊंगा, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि अगर मुझे नॉर्मल फोटो वीडियो खींचनी है तो आई शुड बी ऑलवेज एट सिंगल प्रिंट। अच्छा, उसके बाद 4K के बाद है पोस्ट फोकस। पोस्ट फोकस एक अमेजिंग फीचर है इसके अंदर। पोस्ट फोकस के अंदर क्या होता है कि फोटो खींचने के बाद फोकस बाद में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप ही अभी बैठे हैं यहाँ पे, मैं फ्रेम बना रहा हूँ, आपके पीछे एक पेंटिंग है और मैंने, मेरे को लगा मेरा ध्यान आपकी तरफ है, मैं सिर्फ आपकी फोटो खींच रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगा पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसी फोटो को मैं बाद में ओपन करके उसका फोकस चेंज कर सकता हूँ। मतलब जैसे आप पे फोकस कर रहा हूँ तो दीवार की पेंटिंग ब्लर हो गई, ब्लेर हो गई, अब उसी फोटो को ओपन करके जब मैं क्लिक करूंगा, दीवार की फोटो को क्लिक करूंगा, तो दीवार की फोटो शार्प हो जाएगी, आप डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर में आ जाओगे। तो इस तरीके से ऑप्शन देता है। कितने, एक फोटो खींचूंगा, एक फोटो से मैं 49 फोटोग्राफ्स निकाल सकता हूँ, 49 डिफरेंट चॉइस मिल सकती है मुझे। मान लो दीवार पे 5 पेंटिंग है, मैं 5 पेंटिंगों को अलग अलग क्लिक करके शार्प करके निकाल सकता हूँ। या फिर इसको जनरली लोग जो स्टूडियो वाले होते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल में आई कार्ड का काम नहीं होता, 5-6 बच्चे लाइन में खड़े कर दिए रो वाइज और उनके चेहरों पे क्लिक करते गए और उनकी फ़ोटो शार्प करते गए निकालते गए, तो कितना टाइम बचता है, मेहनत बचता है। या मान लो किसी रेस्टोरेंट की कैटलॉगिंग होनी है, मेन्यू बनना है, हमने 4-4 डिशेज लगाई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, हमने क्लिक करा, अब मुझे हर एंगल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक क्लिक करा और टच कर करके बाकी सारे निकाल लिए। तो इस तरह के फीचर्स हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये टाइमर है जैसा कि हर कैमरे में होता है, और ये टाइम लैप्स है। टाइम लैप्स भी बहुत सारे ब्रांड में प्रीमियम सेगमेंट में मिलता है, यहाँ पे टाइम लैप्स इनबिल्ट है। और टाइम लैप्स के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि टाइम लैप्स जनरली फोटोग्राफी से करते हैं हम, या बहुत बड़ी वीडियो होती है। टाइम लैप्स का मतलब क्या है कि CCTV कैमरे की जैसे वीडियो होती है, 5 दिन की वीडियो है, कब चोरी हुई हमें नहीं पता, अब 5 दिन की वीडियो देखने में टाइम भी तो लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि हर इंटरवल पे, सेम इंटरवल पे फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं, हर आधे घंटे में एक फोटोग्राफ निकाल के उन फोटोग्राफ्स की फिर वीडियो रेंडर कर दी। पैनासोनिक के लूमिक्स कैमरे किसी भी काम के लिए कंप्यूटर का मुंह नहीं देखते, कंप्यूटर में अंदर टाइम लैप्स के लिए फोटो खींच रहे हैं, इकट्ठा कर रहा है, उसकी वीडियो भी रेंडर खुद ही कर सकता है। मतलब आपको कंप्यूटर में ले जाके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वीडियो रेंडर करने की जरूरत नहीं है, कैमरे से ही कर सकते हैं। प्लस अगर सीक्वेंस जो है फॉरवर्ड सीक्वेंस है, आदमी सीधा चलता हुआ दिख रहा है, तो रिवर्स सीक्वेंस में भी कैमरा रेंडर कर सकता है, उल्टा हुआ भी दिख सकता है। मतलब अगर सूरज उगता हुआ जा रहा है तो उसे उल्टा नीचे भी कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है टाइम लैप्स के अंदर, बारिश आ गई, बैटरी खत्म हो गई, जहाँ पे आप पूरा टाइम लैप्स बनाते बनाते पूरा कैमरा ऑफ कर दो, जैसे आप कैमरा ऑफ करोगे और जहाँ से बैटरी लगा के ऑन करोगे वहीं से दोबारा चालू हो जाएगा। तो मतलब टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने में समय लगता है, आपने 2-4 घंटा लगा के फोटोग्राफ्स इकट्ठी करी और अब आपको लग रहा है कि किसी वजह से कैमरे की पोजीशन बदलनी है या बैटरी ख़त्म हो गई या कुछ XYZ रीज़न है, कोई बात नहीं, बेफिक्र आप कैमरा बंद कर दो, जहाँ से आप बैटरी लगा के दोबारा शुरू करोगे सेम वहीं से उठा लेगा और उसके बाद वीडियो भी रेंडर करके देगा। तो मतलब कोई भी टास्क, अगर कोई लंबा प्रोसीजर है, टाइम लैप्स हो गया, स्टॉप मोशन हो गया, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी अकेले एनिमेशन की तरह, तो उसको हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो जनरली ये फोटोग्राफी के स्पेशल केसेस हैं, हम इसको बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए सिंगल शॉट। ये जैसे यहाँ पे सिंगल शॉट करा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट ड्राइव जो है, वैसे एक बटन यहाँ पे ये फ्लैश के लिए साइड वाला, अगर आपको फ्लैश चाहिए तो फ्लैश निकाल सकते हो, ये वाला साइड वाला, ये साइड वाला, इसको वापसी हम घसीट के, मतलब आप चाहो, अगर वैसे तो ये फ्लैश छोटी फ्लैश है, छोटी फ्लैश है तो इसका मतलब ज़्यादा दूर तक मार नहीं करेगी, अगर आपको बड़ी फ्लैश लगानी है तो आप यहाँ पे हॉट शू पे लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। दूसरा साइड में इसके हेडफोन माइक, इनके पोर्ट दे रखे हैं HDMI। इस कैमरे के अंदर G95 के अंदर एक बेटर चीज़ और है कि मैं USB पावर बैंक से भी चार्जिंग कर सकता हूँ, USB पावर बैंक से चार्ज कर सकता हूँ, प्लस इसकी LCD स्क्रीन सेल्फी मोड पे आ जाती है, अगर खुद की व्लॉगिंग करनी है, वीडियो बनानी है, वो भी कर सकते हैं। ये वापसी अंदर भी चला जाता है, अब जैसे मुझे बंद करनी है स्क्रीन तो ये मैंने बंद कर दी, इसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है LVF,
कहाँ पे? ये रहा LVF, हाँ व्यू फाइंडर, राइट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो अगर मैंने कैमरा ऑफ करा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मेरी LCD चालू होती है। अगर LCD उल्टा करके मैंने बंद कर रखी होती तो मेरा व्यू फाइंडर चालू होता। अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि LCD में काम करना अच्छा लगता है, LCD में, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रीव्यू कर रही है, ऑन कर दिया एक बार तो जो सेटिंग होगी वही दिखाएगा, वही खींचेगा, गड़बड़ नहीं करेगा। प्लस बहुत से लोगों को व्यू फाइंडर में देखना होता है, तो ये जैसे ही मैं LVF का बटन दबाऊंगा तो ये एक्चुअली ऊपर वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, ये और हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन होती है बहुत से लोगों को, जैसे डिटेल, हाँ मतलब टॉगल है, टॉगल बटन है, एक बार दबाऊंगा नीचे आ जाएगा, एक बार दबाऊंगा ऊपर चला जाएगा, और एक बार और दबाऊंगा तो देखो ये ऑटो है। यहाँ पे ना ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखो कि एक सेंसर लगा हुआ है। अब जैसे ही इस सेंसर पे आके आंख रखूंगा तो देखो ऊपर की स्क्रीन चालू हो जा रही है, और जैसे ही आंख हटाऊंगा नीचे की स्क्रीन चालू हो गई। अगर आपको ऑटो मोड में रखना है तो आप ऑटो रख सकते हो, ऑटो नहीं रखना तो आप वैसे बटन से भी टॉगल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे हम हाथ में कैमरा लेके छाती से या पेट के पास ऐसे कैमरा रख के बनाते हैं, जैसे मान लो मैं खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ और मैं ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरा छाती या पेट आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि ये स्क्रीन कई बार बंद हो जाती है, उन लोगों को दिक्कत होती है। अब जैसे मैं यहाँ टच करूँगा ना ये बंद हो जाएगा, तो उस केस में मैं इसको ऑटो हटा दूंगा, क्योंकि ऑटो रखने पर क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ करूँगा इस पर सेंसर पर आएगा, ये देखो अब मेरे आँख या छाती या पेट लगने से ये बंद हो सकता है, तो उस केस में ऑटो मुझे परेशान करेगा तो मैं ऑटो ऑफ ही कर दूंगा, परमानेंट स्क्रीन चलती रहेगी और मैं ऐसे कैमरे को हाथ में लेके वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे फोकस का ऑप्शन है। फोकस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि AFS लिखा हुआ है, ऑटो फोकस सिंगल, या उसके नीचे लिखा हुआ AFF ऑटो फोकस फ्लेक्सिबल, उसके बाद है AFC ऑटो फोकस कंटिन्यूस, MF मैनुअल फोकस। अब इसके ये तीन तरह के फोकस है, एक्चुअली है यहाँ पे चार तरीके के। अगर मैं AFS पे जाता हूँ, ऑटो फोकस सिंगल, मतलब जनरली ऑटो फोकस सिंगल, ऑटो फोकस फ्लेक्सिबल, मतलब ये जो पहली वाली कतार है ये जनरली फोटोग्राफी के लिए होती है। अब जैसे मान लो मैं फोटोग्राफी मोड पे हूँ ऊपर, या मेरे को पहले ये वाला डायल बताना था, चलो कोई नहीं मैं फोकस का पहले बता देता हूँ फिर ऊपर आ जाते हैं। तो एक हमारा यहाँ का डायल हो गया जिसके अंदर सबसे जरूरी सेटिंग है सिंगल फोटो सिंगल वीडियो, बाकी स्पेशल मोड है हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ये डायल बताना था, फिलहाल फोकस पे आ रहा हूँ मैं, फोकस का पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो फोकस वाले में क्या है कि ऑटो फोकस सिंगल है, ये जनरली फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। अब जैसे मान लो कि फोटोग्राफी में क्या होता है कि हम हाफ प्रेस करते हैं, इस बटन को दो तरीके से दबा सकते हैं, ये फोटो वाला बटन है ऊपर और ये लाल वाला बटन वीडियो वाला बटन है, ठीक है। तो फोटो वाले बटन को हम दो तरीके से दबा सकते हैं, मैं हाफ प्रेस करूंगा तो एक्चुअली फोकस रीचेक होता है, और जब मैं इसे फुल्ली प्रेस करता हूँ तो देखो फोटो क्लिक होती है, ये देखो, तो अब जैसे मैंने इसको हाफ प्रेस करा तो देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट आएगा अभी, हाँ स्क्रीन पे ना ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट का मतलब है फोकस चेक कर लिया। ये देखो फोकस के जो बॉक्स बन रहे हैं यहाँ आ रहे हैं ना बॉक्स, फोकस के बॉक्स आ रहे हैं बीच में, देखो क्लिक कर रहा हूँ फोकस के बॉक्स हाईलाइट हो रहे हैं ना, एरिया फोकस एरिया हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब उसने फोकस रीचेक कर लिया, राइट। अब मैं जब एक बार मैंने फोकस ग्रीन आ गया रीचेक हो गया तो मैं जब इसे पूरा दबाऊंगा तो इसका मतलब शार्प फोकस के साथ फोटो खिंच गई, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो फोकस सिंगल अच्छा है फॉर फोटोग्राफी, लेकिन वीडियो में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फोटोग्राफी में तो चलो किसी को हमने एक बार खड़ा कर दिया, जी आप ऐसे खड़े हो जाओ हमें फोटो खींचनी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्रोडक्ट रखा, वो उठ के थोड़ी भाग जाएगा। तो हमने क्या करना है, वह हाफ प्रेस करा और क्लिक करा, फोटो क्लिक हो गई, बट वीडियो के केस में तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लो कोई पेट है, जानवर है, वो भागता हुआ आ रहा है, या कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अब ऐसे केस में मैं बार बार हाफ प्रेस थोड़ी करके फोकस चेक करूंगा, बार बार वीडियो में अगर मैं हाफ प्रेस करूंगा तो ये हाई फोकस रीचेक रीचेक होगा तो वीडियो में भी रिकॉर्ड होगा, जो जिसे हम बोलते हैं फोकस ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लेते हैं ना फोकस, हाँ रीचेक का मतलब हो गया कि
ब्लर हुआ फोकस हुआ, ब्लर हुआ फोकस हुआ, वो बार बार अजीब लगता है वीडियो में। फोटो में तो एक बार हम फोकस लॉक कर लेते, क्लिक करते, फोटो शार्प आ जाती है, बट वीडियो में हमें एक ऐसा फोकस चाहिए जिसे ये ना बताना पड़े कि फोकस चेक करो, वो अपने आप ही कंटिन्यूस फोकस करता रहे। तो इसीलिए वीडियो के लिए एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज AFC ऑटो फोकस सिंगल। अगर मैं फोटो खींच रहा हूँ तो AFS रखूंगा, वीडियो खींच रहा हूँ तो जनरली मैं AFC रखूंगा, ठीक है। और अगर मुझे बहुत ही एक्यूरेट फोकस चाहिए, टैक फोकस, बिल्कुल पिन पॉइंट शार्प फोकस चाहिए, तो मैनुअल फोकस में जाऊंगा। ये चीज़ जनरली स्टूडियो में या प्रोडक्ट शूट उसमें करते हैं मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस आपको सबसे शार्प फोकस दे सकता है। ऑटो फोकस तो कैमरा अपनी कैलकुलेशन लाइट के हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीनों मोड है और यहाँ पे कोई कानून नहीं बना हुआ कि फोटोग्राफी में आपको यही यूज करना है। अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स है, टेनिस खेल रहा है कोई या कोई क्रिकेट खेल रहा है, अगर मैं हाफ प्रेस करके क्लिक करूंगा, फोकस चेक कराऊंगा, फिर पूरा बटन दबाऊंगा, तब तक तो वो बॉल मार के निकल जाएगा, मेरा तो मोमेंट छूट जाएगा। तो फोटोग्राफी में भी कई बार मैं ऑटो फोकस कंटिन्यूअस डाल सकता हूँ कि रेगुलर फोकस रीचेक 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 करते रहो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है। अगर सब्जेक्ट एक जगह बैठा हुआ है, स्टिल लाइफ है, तो मैं ऑटो फोकस सिंगल करूंगा। और अगर सब्जेक्ट मूविंग है, कंटिन्यूअस मूविंग है, जगह बदल रहा है, तो मैं ऑटो फोकस कंटिन्यूअस करूंगा, कैमरा अपने आप उसे ढूंढ के ट्रैक कर लेगा। और अगर मुझे बहुत ही डिटेल चाहिए, जैसे मान लो मैक्रो, या मैं कोई प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, ज्वेलरी है, उसकी एक एक चीज़ मुझे क्लियरली दिखानी है, तो मैं ऑटो फोकस में नहीं डालूंगा। मुझे पता है ज्वेलरी की जो नेकलेस है वो उठ के नहीं भागेगा, तो मैं उसको मैनुअल फोकस करके और बेटर रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ये चॉइस है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो नमक मिर्च मसाला होता है, स्वाद अनुसार इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक्चुअली स्वाद अनुसार है। हो सकता है कभी आपको इसका किसी सिचुएशन में AFS से स्वाद अच्छा लगे, किसी में, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि फोटो के लिए या वीडियो के लिए, ये सिचुएशन के ऊपर है। मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं ये वीडियो वाला फोकस ले लूँ, वीडियो में तो AFC चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। फोटो के लिए चॉइस हो सकती है दोनों के बीच में, क्लियर। ये लॉक का क्या मतलब है? अभी आ रहा हूँ इसमें, इसके ऊपर एक, ये एक्चुअली ना मीनू के अंदर से जाके मुझे ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना AFAE लॉक। आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं अगर अभी बताऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ये बहुत एडवांस फीचर है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ होता क्या, बट इसको ना मीनू से एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं यहाँ से मतलब कर सकता हूँ, यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसी चीज़ जनरली वीडियो में यूज़ करी जाती है फोकस लॉक। मान लो कोई मॉडल बैठी है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल के सामने मान लो कोई नेकलेस है, मान लो कोई ज्वेलरी का प्रोडक्ट शूट है, और हमने किसी पुतले या मैक्वीन पे गले पे नेकलेस डाला हुआ और पीछे मॉडल खड़ी है, या आप कैसे बोलोगे, या जैसे वेडिंग में हो गया, लड़की, जैसे वेडिंग में क्या होता है कि लोग पोर्ट्रेट शूट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हाथ ऐसे आगे कर देते हैं कैमरे के आगे कि मेहंदी दिखानी होती है, लेकिन एक हाथ ऐसे, एक हाथ का मतलब लगभग 1 मीटर या 2 फुट इतना। तो इसमें क्या होता है कि कैमरे के लेंस के सामने हाथ कर दिया आपने, मेहंदी आपके इसमें आ गई, लेकिन कैमरे के फ्रेम के अंदर आपका चेहरा भी दिख रहा है, और आपने वो ऑटो फोकस लगा रखा है, आप कैमरे को समझ में आ रहा है इंसान की आंखें हैं, मैं आंखों पे फोकस करूं, लेकिन उसे ये तो नहीं पता कि मुझे मेहंदी फोकस में चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन पे जहां कैमरा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस पे करे, उसकी प्रेफरेंस है आंखें। अगर मान लो मैंने कैमरे को ऑटो फोकस डाला आई ऑटो फोकस में, अब मैंने एक फ्रेम बनाया जिसमें लड़की का चेहरा आ रहा है और उसके हाथ ऐसे आगे करा दिए तो मेहंदी भी आ रही है, अब कैमरे को पता लग रहा है ये इंसान है, इंफ्रारेड के हिसाब से उसने आंखें पकड़ ली, नहीं मुझे चाहिए मेहंदी। तो मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशन में, कैमरे की स्क्रीन पे मेहंदी वाले हाथ पे टच करूंगा और उसके बाद लॉक बटन दबा दूंगा कि ये पर्टिकुलर एरिया मुझे फोकस में चाहिए और यहाँ से हटना मत। ऑटो का मतलब क्या है, कैमरा ऑटो फोकस करता है, कैमरा एक्चुअली फ्रेम के अंदर मूवमेंट देखता है, कहाँ मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही तो आंखें पकड़ेगा। अब वो तो अपना सही काम कर रहा है, चेहरे ने, लड़की का चेहरा पकड़ लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेहंदी पे आए। तो ऑटो फोकस के अंदर जब हमें चॉइस देनी होती है कि ये पर्टिकुलर एरिया लॉक रहे, यहाँ से हिलना मत, यहीं अटके रहो और उसके बाद खींचो, तो वो चीज़ होती है। या जैसे मान लो टेनिस का मैच हो रहा है, दो जने खेल रहे हैं, अब जो प्लेयर नंबर 1 है उससे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तो उसको शार्प रखूंगा ना, प्लेयर नंबर 2 पे ध्यान ही नहीं दूंगा, अब दोनों फ्रेम में हिल रहे हैं, तो मैंने क्या करा, प्लेयर नंबर 1 को पकड़ के ट्रैक मोड पे डाल दिया और लॉक कर दिया कि ये एक नंबर बंदे को आप फॉलो करते रहो और इसी पे फोकस लॉक रखो, दूसरे पे मत करो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए होता है लॉक।
मतलब इसको इसके कई तरह के ऑप्शन हैं अंदर से ऑन करने के, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से बटन से इस्तेमाल करूँगा ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना बढ़िया लॉक नहीं होगा। अगर इसका मेनू ऑपरेशन अभी अंदर दिखाऊंगा मैं, जैसे ए ई लॉक करके ऑप्शन आता है, अगर वो ऑप्शन अभी जैसे पहले बेसिक, हाँ बेसिक हमारा भी मकसद है बेसिक, जो बाहर बाहर से हम 80% चीज़ें हासिल कर सकते हैं पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद जो स्पेशल केसेस होते हैं उसके लिए अंदर जाएंगे। तो बिना मेनू में मतलब लर्निंग कर्व सिंपल रखते हुए कि जल्द से जल्द हम क्या सीख सकते हैं, हमने सिंगल मोड पे डाला, अपनी ज़रूरत के मुताबिक फोकस सेट करा, वैसे ये डायल पहले करना था बट कोई नहीं, तो अब इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे ये है सेकेंडरी ड्राइव मोड, ये मेरा प्राइमरी था पहला ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव मोड, ये मेरा सेकेंडरी ड्राइव मोड। राइट, सेकेंडरी ड्राइव मोड में क्या है कि यहाँ पे आप देखो आई ए लिखा हुआ है, आई ए का मतलब हो गया इंटेलिजेंट ऑटो, इंटेलिजेंट ऑटो का मतलब हो गया कि कैमरा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। जनरली फोटो वीडियो में हमें तीन सेटिंग्स कंट्रोल करनी पड़ती है, शटर, अपर्चर, आईएसओ। तो इंटेलिजेंट ऑटो का मतलब है कि कैमरा 100% ऑटो मोड पे काम करेगा, सिर्फ आपको वीडियो का बटन दबाना अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फोटो का बटन दबाना अगर फोटो खींचनी है, और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मुझे यही काम करना था तो मैं मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदता, मैं फिर प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा क्यों खरीदता। प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा जब हम खरीदते हैं और हमें नहीं चलाना आता, शुरू शुरू में ऑटो मोड चलाओ अच्छा लगता है कि भाई बढ़िया फोटो आ रही है, कैमरा अपने आप काम कर रहा है, अपने आप लाइट डिसाइड कर रहा है, कलर डिसाइड कर रहा है, शटर अपर्चर आईएसओ डिसाइड कर रहा है। लेकिन ये प्रोफेशनल कैमरा ऑटो मोड में यूज़ करने के लिए नहीं होता, ये फॉर द टाइम बीइंग है कि जब तक आप उसे सीख नहीं रहे हो। कैमरे को जितना ज़्यादा आप मैनुअल मोड में यूज़ करोगे ना वो उतना और बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप समझनी है कि हम जनरली जब नया कैमरा खरीदते हैं प्रोफेशनल तो ऑटो मोड से शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें कंट्रोल करने आता है। मतलब ये वही बात है, मैं रेस्टोरेंट में गया, किसी ने मुझे बढ़िया सा डिश बना के दे दी, मज़ा आ गया, खा के आ गया, मुझे बनाना नहीं पड़ा, मुझे पकाने के लिए कोई रेसिपी नहीं ढूंढनी पड़ी, ना मुझे वहाँ गैस के साथ खड़े होकर कुछ बनाना पड़ा। बट अगर मुझे कुछ बढ़िया स्वाद चाहिए, कुछ बढ़िया बेहतर करना, अलग करना है, तो मुझे वो धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखना पड़ेगा। लेकिन अब आज मुझे कैमरा खरीदा, आज ही काम शुरू करना है, कुछ काम हाथ में है इसलिए मैं जल्दी जाके कैमरा लेके आया हूँ, तो क्या मैं आज किताब खोल के यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ना लिखना शुरू कर दूँ, तो काम कब करूँगा। तो ये शुरुआत के लिए ऑटो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो डाला, एक्चुअली आप कौन से मोड पे हो ये कहाँ पता लग रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, देखो यहाँ पे भी आई ए लिखा हुआ है, आ रहा है स्क्रीन पे। अब देखो मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, स्लीप मोड में चला गया, कोई नहीं, ऑन ऑफ कर दो। अब देखो मैंने क्या करा कि कैमरे को कंप्लीट ऑटो मोड पे डाला, ठीक है, कंप्लीट ऑटो मोड पे डाला, तो देखो ये आई ए प्लस दिखा रहा है इंटेलिजेंट मोड में, इंटेलिजेंट ऑटो, और ये देखो इसे कहा है कि सब्जेक्ट पास में ही है, जैसे फूल का आइकन आ गया ना मैक्रो मोड, इसने मैक्रो मोड वाली सेटिंग यूज कर ली, उसे दिख रहा है कि सब्जेक्ट बहुत पास में है। राइट, मतलब ये कुछ नहीं पूछेगा, पहाड़ झड़ने खुद ही, झड़ना, पहाड़, चलती हुई गाड़ी, स्पोर्ट्स, सब खुद ही ढूंढेगा अपने आप ही। अब देखो किसी का चेहरा दिखेगा ना तो आइकन बना देगा आई कार्ड जैसा, या जैसे मैं अपनी ही फोटो खींचने की कोशिश करता हूँ, देखो अब जैसे ये आंखें दिख रही हैं, फ्रेम दिख रहा है, अब जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे करता हूँ, अब जैसे ये मेरी फोटो खींच रहा है, ठीक है, अब ये देखो, अब देखो फेस का आइकन आ गया, पहले गुलाब का फूल था, मतलब इसको सब्जेक्ट की रिकग्निशन है। अगर स्टिल लाइफ का लेंस है कोई तो उसको मैक्रो मोड में दिखा रहा है, अगर इसे इंसान की आंखें नजर आ रही हैं तो चेहरा दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑटो मोड इसलिए है कि शुरू में आपको कुछ ना करना पड़े, तो इंटेलिजेंट ऑटो मोड में रखो, दनादन बर्थडे फोटो ट्रैवल खींचते रहो, वीडियो बनाते रहो, तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मोड है सीन मोड, इंटेलिजेंट मोड के बाद। ये इंटेलिजेंट मोड में क्या हो रहा था कि कैमरा 100% खुद ही सारी कैलकुलेशन कर रहा था कि सब्जेक्ट स्टिल लाइफ है, सब्जेक्ट इंसान का चेहरा है या स्पोर्ट्स मोड है, तो अपने आप कर रहा था। लेकिन इसमें भी क्या है कि कैमरा भगवान नहीं है या दुनिया का सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो एक तरीके से एक अंदाजा लगा सकता है और उसका अंदाजा गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक फ्रेम में लड़की का चेहरा और हाथ में मेहंदी है, उसी का हाथ ऐसे आगे करवा दिया लेंस की तरफ, मेहंदी है,
अब मेरा दिमाग क्रिएटिविटी से ऐसा सोच रहा है कि मुझे मेहंदी को दिखाना, हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि मेहंदी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो वो बढ़िया चेहरा छोड़ दो, ब्लर कर दो। अब कैमरे को तो नहीं पता, वो ऑटो फोकस में आँखें पकड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कैमरे को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से अगर आपका आई ए मोड कभी अच्छी फोटो वीडियो ना दे तो आपको सीन मोड में आ जाना चाहिए। SCN लिखा हुआ ना, SCN। अब जैसे ही मैं सीन मोड में आऊंगा तो देखो यहाँ पे कैटलॉग आ गई, right. एक कैटलॉग आ गई अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, देख रहे हो आप। ये कह रहा है पोर्ट्रेट खींच रहे हो, ऐसी लाइटिंग कंडीशन है तो उसके हिसाब से सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। अगर ये कहता है सिल्की स्किन है, स्किन टोन ज़्यादा ब्राइट है, जैसे कोई आदमी ज़्यादा गोरा है, बैकलिट जैसे अर्ली मॉर्निंग है, शाम को नहीं होता सूरज पीछे होता है, चेहरे काले हो जाते हैं। अगर मान लो हम किसी की फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से भी करते हैं, ऐसा दिक्कत आती है कि अगर सूरज पीछे है तो चेहरे काले कर देता है, तो उसको ठीक करने के लिए सेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है, तो वो ऑटोमेटिक कर दी, बैकलिट सॉफ्टनेस, क्लियर इन बैकलिट। तो ये अब हम इंसान कम से कम कैटलॉग देख के आइडिया लगा सकता है क्या करना है। शाम का सीन है, अर्ली मॉर्निंग, पानी, तो इसमें कुछ इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ग्लो, पानी पे चमकीला चमक नहीं आती, जैसे पानी देखो सितारे सितारे चमक आ रहे हैं, ग्लिटरिंग वाटर इस तरीके से। तो हम यहाँ से कैमरा गड़बड़ ना करे तो उसको हिंट दे रहे हैं कि देखो अभी करंट लाइट कंडीशन ये है, दिन है, रात है, शाम है, अर्ली मॉर्निंग, आपको ऐसी सेटिंग रखनी है और इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एक हेल्पफुल टूल हो गया कि शुरू शुरू में अच्छी फोटो निकालनी है। अब हाथ में मैंने महंगा कैमरा तो ले लिया लेकिन फोटो वीडियो ढंग से खींच नहीं पा रहा और लोग फोटो देख रहे हैं कह रहे हैं क्या खींचा है, तो एटलीस्ट मेरे पास इसके अंदर इतना दिमाग है कि ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मोनोक्रोम हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बहुत अच्छी होती है, कंट्रास्ट अच्छा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। पैनोरामा शॉट, जैसे लंबा शॉट नहीं खींचना होता, पूरा सी बीच दिखाना इस तरीके से, तो मैं ये कर सकता हूँ। वैसे ये सारे मोड ये कैमरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है जो मैंने अभी सीन मोड में दिखाया, लेकिन अगर मान लो कभी कोई कलर या लाइट का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कैमरे को समझ आ रही हो अच्छा है उसके लिए, लेकिन इंसान के स्वभाव या फीलिंग के हिसाब से वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा और इसको चेंज करूंगा। अच्छा, ये तो था कंप्लीट ऑटो। जब कंप्लीट ऑटो मेरा अच्छा रिजल्ट ना दे, मतलब कैमरे को समझ आ रही है लेकिन मेरे को ह्यूमन टेस्ट के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सीन फाइल की कैटलॉग खोल सकता हूँ। अब ऑटो और सीन फाइल के बीच में एक जना और है जिसका नाम है एक्सप्रेशंस। ये देखो ना, पेंटर की पेंट की तख्ती बनी हुई है, पैलेट नहीं होता, कलर पैलेट एंड ब्रश ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस वाले मोड में एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अगर आप नीचे देखो, जैसे ही मैं मोड बदलूंगा तो यहाँ पे एक्सप्रेसिव फिल्टर्स हैं, आप अलग अलग फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बढ़िया फिल्टर पता है कौन सा है? ये लास्ट वाला। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग में ये काम करने में बहुत समय लगता है। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये बढ़िया एग्जांपल है। अब जैसे हमारे पास ये पेचकस है, अब मैं हमने क्या करा कि ये एक्सप्रेशंस में चले गए, पहले तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन वाले मोड में आ गया, पैलेट और तख्ती में आ गया, और मैंने क्या करा कि इस वाले को जाके सबसे लास्ट वाला वन पॉइंट कलर को चुन लिया, वन पॉइंट कलर को मैंने कहा ओके, अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर देखो कि साइड में आपके पास यहाँ पे भी एक आइकन आ रहा है, ये देख रहे हो पैलेट का आइकन आ रहा है, वही आइकन सेम आ रहा है, और इस आइकन को मैं ऐसे खोल लूँगा, खुल गया, मैंने पहले तो यहाँ से अप्लाई करा था, फिर कैटलॉग आई थी, कैटलॉग में से वो लास्ट वाला वन पॉइंट कलर वाला फिल्टर चुन लिया, चुनने के बाद फिर मैंने यहाँ साइड से ओपन कर लिया, तो यहाँ पे देखो पेन का ड्रॉपर आ रहा है, पेन टूल, जैसे ड्रॉपर टूल नहीं होता फोटोशॉप के अंदर कलर पिक करने के लिए। अब मैंने क्या करा कि इस ड्रॉपर टूल से इस हरे कलर को सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब हरा कलर सिलेक्ट करते ही देखो हरा कलर रुक गया, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अच्छा, देख रहे हो बाकी टेबल का ऑरेंज कलर चला गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मैंने कहा सेट। अब इस कंडीशन में मैं फोटो खींचूंगा तो फोटो भी खींच गई, वीडियो खींचूंगा वीडियो भी बन जाएगी। अमेजिंग। अच्छा, वीडियो भी ये भी देखो ना, दोनों काम एक साथ हो रहा है, मैं वीडियो भी खींच रहा हूँ और फोटो भी खींच रहा हूँ, मतलब मेरी वीडियो कंटिन्यूस है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चालू वीडियो रिकॉर्डिंग में फोटो का बटन खाली बैठा हुआ है, मैं फोटो भी खींच रहा हूँ, और देखो कलर का फिल्टर अभी भी लगा हुआ है। अब इमेजिन करो कि यही काम आपको किसी दूसरे कैमरे से करना था तो आप कैसे करते? पहले तो मैं एक नॉर्मल कलर वाली फोटो खींचता, फिर उसको फोटोशॉप में लेके जाता,
फिर मैनुअली उसको डॉट टू डॉट सिलेक्शन करता, सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन को इन्वर्ट करता सो दैट कि बाकी पे ब्लैक एंड वाइट फिल्टर मार सकूँ। फोटो में तो चलो एक बार को सरदर्द लेके ये काम हो सकता, वीडियो में तो और मुश्किल है, हाथ हिल रहा है। या मान लो कोई आदमी लाल टी शर्ट पहन के जा रहा है, अब उसकी लाल टी शर्ट को रोकना है, बाकी ब्लैक एंड वाइट करना है, अब तो मूविंग है, मूविंग वीडियो के अंदर ये काम वीडियो एडिटिंग में करना तो वो हो गई रोटोस्कोपिंग, एक काम एरिया होता है पोस्ट प्रोडक्शन में, रोटो का काम रोटोस्कोपिंग हो गया, जिसमें फॉलो करते हुए आदमी को फ्रेम बाय फ्रेम, फोटोग्राफ में तो एक फ्रेम है, हमने फोटोग्राफ में पेचकस के बॉर्डर को पकड़ के हमने सिलेक्ट कर लिया, वो कलर रुक गया, लेकिन वीडियो में तो फ्रेम को मूविंग रखना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब हर वीडियो के फ्रेम के लिए करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि फोटो वीडियो का ये एक कलर रोकने वाला काम कंप्यूटर पे कितना सरदर्द है, और यहाँ मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, स्नैप सीन फाइल में गया, फिल्टर सिलेक्ट करा, अप्लाई करा, एक कलर को पॉइंट करा, सिलेक्ट कर लिया। और सबसे अमेजिंग बात तो अभी मैंने बताई नहीं, अभी जैसे मैंने ड्रॉपर से देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कलर रोक लिया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ब्लैक एंड वाइट के बाद सेट। अब देखो कैमरे की स्क्रीन है छोटी, कैमरे की स्क्रीन है छोटी, और मेरी उंगलियां हैं मोटी अंगूठे से, मैंने कहा अब जरूरी थोड़ी कि मैं इतनी डिटेल बड़ी बारीक से आराम से पकड़ लूं, अगर मेरी उंगली कोई गलत जगह क्लिक कर देती है, कलर कोई दूसरा सिलेक्ट हो जाता है, तो मैं कलर की इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकता हूं। देखो प्लस माइनस का निशान है वहां पे नीचे, आप यहां पे देखो, जैसे हमने ये साइड से खोला था विंडो, हमने ये साइड से विंडो खोला था, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन था पैलेट को प्लस माइनस करने का, ये देखो इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी को मैं घटा बढ़ा रहा हूँ, देखो ग्रीन कलर कम ज्यादा हो रहा है, और लाइव है जो भी कर रहा हूँ, हाथ क्या सामने दिख रहा है, किसी भी काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ये सारे पोस्ट प्रोसेसिंग के जो काम है, फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के, सब कुछ यही हो रहा है, और टाइम लैप्स में भी ऐसा ही है। फुल एच डी 4K 19 FPS 20 FPS आप मतलब साइज चुन सकते हो, FPS चुन सकते हो, फॉरवर्ड मोशन रिवर्स मोशन चुन सकते हो, मतलब सब कुछ कंप्यूटर जैसा ही यहीं भरा हुआ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब इस फिल्टर को अगर मुझे हटाना है तो हटाएंगे कैसे, मैं वापसी एक्सप्रेशन में जाऊंगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन मोड है, और इसको क्लियर कर दूंगा, ये रीसेट डिस्प्ले हो गया। इसमें पेंसिल वाला आइकन जो था, हाँ तो कहाँ पे आता है इसमें पैलेट के अंदर, एक मिनट अभी दिखाता हूँ आपको। अब जैसे सीन फाइल हो गया, जनरली क्या होता है कि हम लोगों को वैसे, अब जैसे आपको आईए पता लग गया, आईए से क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट ऑटो है, सीन फाइल से क्या कर सकते हैं ये पता लग गया, उसी तरीके से हम एक्सप्रेशन मोड पता लग गया, लेकिन जनरली क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक्सप्रेशन मोड ऊपर से डालूंगा ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन मोड ही रह जाएगा। अच्छा। तो जनरली हम यहाँ से यूज करने को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये वाला जो मोड है ना, बाकी अगर मान लो ये बहुत अच्छी चीज है, पसंद आ गई मुझे, एक्सप्रेशन मोड अच्छा लगा, पसंद आ गया, लेकिन अगर मैंने ऊपर से एक्सप्रेशन मोड ले लिया तो मैं कोई और ऑप्शन नहीं चुन सकता। देखो डायल पे ये तो ब्लॉक हो गया। एक्सप्रेशन मोड्स के साथ ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी दूसरे मोड में घुस जाओ, एक्सप्रेशन मोड हमेशा यहाँ कॉर्नर पे टच स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो ऊपर से ब्लॉक करने का क्या फायदा, ऊपर से कोई और कमांड ले लो, और इसके साथ एडिशनल मैं एक्सप्रेशन मोड साइड से खोल लूंगा, तो मैं दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे को सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं मिलेगा, दूसरे मोड के साथ ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे क्या क्या हो गए, आईए हो गया, एक्सप्रेशन मोड हो गया, सीन फाइल हो गया, अब ये C1 C2 क्या है, इस कैमरे में इतने सारे ऑप्शन है, मैं फोटो की सेटिंग C1 में सेव कर सकता हूँ, वीडियो की कस्टमाइजेशन C2 में सेव कर सकता हूँ, मतलब इस कैमरे के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और फोटो खींचते वक्त अलग तरह की कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, वीडियो खींचते वक्त बार बार मैं कैमरे के अंदर सेटिंग थोड़ी बदलता रहूँगा, मुझे को तुरंत फोटो की सेटिंग्स, फोटो खींचनी है फोटो की सेटिंग्स मिल जाए, वीडियो खींचनी है वीडियो की सेटिंग्स मिल जाए, तो मैं कैमरे में दो सेटिंग ऐसे सेव करके रख सकता हूँ, C1 C2 मतलब मेरी पर्टिकुलर, हाँ मतलब जैसे मान लो आपको स्लो मोशन चाहिए, आप वीडियो खींच रहे हो सुबह से शाम तक, नॉर्मल वीडियो बना रहे हो 25 FPS 50 FPS की, लेकिन स्लो मोशन का फीचर ऐसा फीचर है जो अंदर मीनू में से जाके ऑन करना पड़ता है, अब जब मुझे तुरंत स्लो मोशन की जरूरत पड़ेगी क्या मैं बार बार मीनू में से जाके ऑन ऑफ करूंगा, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि अंदर जो मेरा स्लो मोशन की कमांड है उसको आइदर C1 और C2 में सेव कर लूंगा, दोनों में से किसी एक में। अब मैं जब नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ तो ये नॉर्मल वीडियो के आइकन पे आ जाऊंगा,
जैसे ये मूवी कैमरा के साथ एम बना हुआ है, ये नॉर्मल वीडियो का आइकन है, लेकिन अगर जैसे मुझे स्लो मोशन चाहिए तो मैं C1 लगा दूंगा। मैंने स्लो मोशन वीडियो बनाई, स्लो मोशन की सेटिंग अप्लाई हो गई, स्लो मोशन नहीं चाहिए, नॉर्मल वीडियो चाहिए तो मैंने इसे नॉर्मल पे डाल दिया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जैसे हमने ये IA हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, सीन हो गया, C2 हो गया, C1 हो गया, ये आ गया वीडियो मोड। क्लियर है? एक्चुअली क्या है कि इस कैमरे के अंदर ना कोई पाबंदी नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जिद्दी कैमरा नहीं है। जिद्दी कैमरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने ये सेटिंग बना दी, ये रूल बना दिया, आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैंने आपसे ये बोला कि ये वीडियो कैमरे के साथ जो एम लिखा हुआ है ये हमारा वीडियो मोड है, आपके मन में सवाल आएगा क्या अगर मैं किसी दूसरे मोड में हो गया वीडियो नहीं बनेगा? या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अभी हमने ये वाला ऑप्शन लिया था एक्सप्रेशन, अरे मैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन ही इस्तेमाल करके रह जाऊँगा, मुझे अगर कोई और चीज़ करनी है कि मैं एक्सप्रेशन नहीं ले सकता। मैंने आपको तरीका बताया ना, कोई दूसरे मोड पे जाओ, एक्सप्रेशन नीचे से खोल लो, यहाँ टच स्क्रीन से, एक ही बात है, दोनों मिल जाएंगे। सेम उसी तरीके से हमारा कैमरा कभी मना नहीं करता कि ये वाले मोड सिर्फ फोटोग्राफी के हैं या ये वाले मोड वीडियो के, आपकी मर्जी जैसे करने के, जिस मोड में भी चले जाओ, जब फोटो का बटन दबाओगे तो फोटो खिंच जाएगी, वीडियो का बटन दबाओगे वीडियो खिंच जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर वीडियो का मोड अलग से इसलिए दे रखा है कि इस वाले मोड में वीडियो के लिए ज़्यादा सेटिंग्स, ज़्यादा ऑप्शंस खुलेंगे, ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल फीचर्स खुलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे मोड में होंगे तो वीडियो नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी वीडियो, लेकिन वो सारे ऑप्शन कंट्रोल करने नहीं देगा। क्योंकि देखो MSAP ये सब जो चीज़ें हैं ये फोटोग्राफी के मोड है, ये फोटोग्राफी के मोड है। अब मैं फोटोग्राफी के मोड में हूँ तो प्रायोरिटी फोटो की सेटिंग्स को मिलेगी, तो फोटो की सेटिंग्स सारी ये फोटो खींच रही है, सब ये देखो फोटो खींच रही है, लेकिन फोटो का बटन दबा रहा हूँ फोटो खींच रही है, वीडियो का बटन तो खाली बैठा हुआ, वीडियो बन रहा हूँ आ रही है, वीडियो भी बनाएगा। लेकिन अगर मुझे वीडियो में और ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, 50 FPS, स्लो मोशन, तो जो वीडियो के एक्स्ट्रा फीचर्स है वो पर्टिकुलर वीडियो मोड में ही खुलेंगे। Right. कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको क्विक वीडियो, जल्दी से वीडियो बनानी है तो दूसरे मोड में बना लो, फोटो खींच लो, मतलब वीडियो मोड में हूँ फोटो भी खींच रही है, फोटो मोड में हूँ वीडियो भी बन रही है, मेरी मर्जी। लेकिन अगर मुझे बेहतर वीडियो चाहिए तो आई शुड बी इन दिस पर्टिकुलर मोड। तो कहने का फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये आँख बंद करके वीडियो बना देगा, क्या सेटिंग है क्या नहीं मुझे नहीं बताएगा, वीडियो बन गई। लेकिन यहाँ पे वीडियो पे मेरे को पूरा कंट्रोल होगा, मैं 4K सिलेक्ट कर सकता हूँ, फुल HD सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 25 FPS कर सकता हूँ, 30 FPS कर सकता हूँ, स्लो मोशन कर सकता हूँ, मतलब वीडियो की ज़्यादातर सेटिंग्स यहाँ खुलेगी। तो ये आपके ऊपर है। अब ये आ गया PASM फोटोग्राफी वाला मोड। जैसे जैसे मैं मोड बदल रहा हूँ ना, देखो ऊपर डायल बदल रहा हूँ, नाम बदलते जा रहे हैं नीचे स्क्रीन पे, यहाँ पे नाम बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बदलते जा रहे हैं, आइकन बदलता जा रहा है। तो ये जो फोटोग्राफी का मोड है PASM, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम, मतलब जैसे जैसे आप फोटोग्राफी सीखोगे, जैसे मैंने आपको कहा IA इंटेलिजेंट मोड है, कुछ नहीं पूछेगा, सब कुछ अपने आप करेगा। तो PASM का मतलब हो गया प्रोग्राम मोड। एक्चुअली क्या होती है कि कैमरे के अंदर ना 3 पैरामीटर होते हैं कंट्रोल करने के लिए, शटर, अपर्चर, ISO। तो अगर मैं प्रोग्राम मोड में हूँ, प्रोग्राम का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अच्छा, अब जैसे ये भी तो ऑटोमेटिक है, IA का मतलब क्या है, ये भी ऑटोमेटिक है, और अब मैं आपको P बता रहा हूँ ये भी ऑटोमेटिक है, भाई दोनों ऑटोमेटिक है तो फर्क क्या है? ये 100% ऑटोमेटिक है, ये 90% ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये जो P है, एक्चुअली आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक, मैंने जैसे आपको मैंने बताया था कि इस कैमरे को मैं 4 बटन से पूरा कैमरा ऑपरेट कर सकता हूँ, फर्स्ट ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव, सेकेंडरी ड्राइव, फोकस ड्राइव, ये भी हमें समझ में आ गया, ऑटो फोकस सिंगल, ऑटो फोकस कंटिन्यूस और मैनुअल। एक यहाँ पे डिस्प्ले का बटन था शॉर्टकट। अब इस डिस्प्ले के बटन को बार बार दबाने से क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, एक बार को ये कैमरा ऑफ कर दिया, अब मैं कैमरा यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर दिया, अब मैं डिस्प्ले का बटन दबा रहा हूँ, तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कैमरे के स्क्रीन पे, अलग अलग चीज़ें मुझे बता रहा है मेरी जानकारी के लिए, तो ये पेजेस बदलते रहते हैं, इसमें मल्टीपल पेजेस हैं। जैसे एक पेज दोबारा दबाऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ हो गई, तीसरी बार दबाऊंगा तो फिर से आ गई, चौथी बार दबाऊंगा तो देखो सिर्फ ये जो लेवल है वो है, एक देख रहे हो बीच में बारीक सी लाइन लेवल बता रहा है कि कैमरा सीधा पकड़ा हुआ है या टेढ़ा पकड़ा हुआ है। उसके बाद और एक्चुअली हमें ये वाला पेज चाहिए, ये वाला पेज, क्योंकि ये बार बार दबाना ऐसे आता है, जितनी बार दबाऊंगा ये पन्ना बदलता रहेगा, तो एक्चुअली मुझे इस वाले पेज पे जाके रुकना है।
अभी तक जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये सेटिंग ऐसी होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, एक्चुअली यहाँ पे ये सारे फंक्शन अलग अलग बटन्स पे हैं, ये इन सारों का शॉर्टकट पेज आ गया, बर्ड्स आई व्यू, पूरे सेटिंग का बर्ड्स आई व्यू। अब देखो जैसे मैंने ऊपर आई ए करा, देखो आई ए की सेटिंग दिखा रहा है कि आई ए इस पर क्या क्या सेटिंग मोड में चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आ गया पैलेट मोड में तो पैलेट के ऑप्शन दिखाने लगा, मैं सीन में आ गया तो सीन की कैटलॉग आने लगी। सेम उसी तरीके से C2 में आया तो देखो P के ऊपर लिखा हुआ है C2, आ रहा है कोने पे C2? नहीं। C2 पे करो C2, C2। अच्छा। C1, C2। तो वो आपको बता रहा है कि इस पर कौन सी सेटिंग काम कर रही है, ठीक है। ये आ गया C1, उसके बाद ये आ गया P, वीडियो वाला। देखो ये वीडियो मोड है हमारा, वीडियो में P बना हुआ है, वीडियो का कैमरा बना हुआ ना, ये वीडियो मोड आ गया। अब कोई आइकन नहीं है, फोटोग्राफी के मोड है, जैसे यहाँ पे ना ये ऊपर कैमरे के साथ एम बना हुआ है, दैट इज वीडियो मोड। और ये पी ए एस एम है, पी ए एस एम को मैं थोड़ा सा इसलिए अलग से समझा रहा हूँ, देखो पी, अगर जब मैं फोटोग्राफी के पी मोड पे हूँ तो मैं आई एस ओ चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैं आई एस ओ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं आई एस ओ चेंज कर सकता हूँ। आई एस ओ हो गई ब्राइटनेस सेंसिविटी, सेंसर की सेंसर की सेंसिविटी कह लो, जैसे पुराने जमाने में नेगेटिव नहीं होता था, आई एस ओ 100, आई एस ओ 200, 400, तो वो डिजिटल मोड में भी ऐसा ही होता है लगभग, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता वरना इसके पीछे बहुत सारी इंजीनियरिंग, बहुत सारी साइंस है, लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, वरना आई एस ओ में नेटिव आई एस ओ भी होता है, ड्यूल नेटिव आई एस ओ भी होता है। नेटिव आई एस ओ क्या चीज़ होती है ये समझना होता है, नॉइस क्यों आती है, सिग्नल टू नॉइस रेशो कैसे हैंडल होता है, तो बहुत सारी साइंस निकल जाएगी। लेकिन अभी आज हम नया कैमरा पकड़ के शुरू कर रहे हैं तो ये सब जरूरत नहीं है, ये बहुत एडवांस क्लासेस में, ये एक साल बाद बताया जाएगा। सो अब देखो पी मोड में गया, मैंने आपसे बोला था देखो पी मोड में इस पर कैमरे में सारी सेटिंग दिखा रहा है क्या क्या है, लेकिन मैंने क्या बोला था शटर अपर्चर आईएसओ, आईएसओ तो मुझे नजर आ रहा है, शटर अपर्चर कहाँ गए? और मैंने क्या बोला था पी मोड होता है ऑटो मोड, तो एक्चुअली यहाँ पे शटर और आईएसओ की सेटिंग ऑटोमेटिक चल रही है, जो ऊपर काली पट्टी खाली पड़ी हुई है ना यहीं आएगा, अभी आगे चल के देखेंगे। तो हमने क्या बोला था आईए का मतलब हो गया इंटेलिजेंट ऑटो मोड, 100% ऑटो, 100% ऑटो का मतलब हो गया कैमरा इस वक्त शटर भी कैलकुलेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, आईएसओ भी कैलकुलेट कर रहा है और अपर्चर भी कैलकुलेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने बोला था 100% ऑटो। अब जब मैं पी मोड में आया हूँ फोटोग्राफी के, देखो तीन में से दो चीज़ तो ऑटोमेटिक चल रही है, तीसरी चीज़ मेरे लिए छोड़ रखी है इसने, तो इसलिए मैंने बोला 90% ऑटो। Right. चाहूं तो मैं इस आईएसओ को भी यहां से पकड़ के ऑटो कर सकता हूं। मेरा जैसे यहां ऑटो पे लग गया। आप इसको पकड़ के सिलेक्ट करोगे चॉइस मिल जाएगी। ये डायल मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं, लेफ्ट राइट भी दबा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा कि अब हम पी की जगह आ गए ए पे। ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर प्रायोरिटी। आप देखो अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब क्या है समझो सर। आईए का मतलब हो गया इंटेलिजेंट ऑटो, कैमरा कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, तीनों में से कुछ नहीं पूछेगा, शटर अपर्चर आईएसओ में से कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन पी मोड में गया तो पी मोड में एक पैरामीटर मेरे कंट्रोल में है, दैट इज आईएसओ, लेकिन देखो शटर और आईएसओ अपर्चर कैलकुलेट करने नहीं दे रहा, खुद ही कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपर्चर प्रायोरिटी ए पे आ गया, ए स्टैंड फॉर अपर्चर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब है मैं जो अपर्चर बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग बाकी सेटिंग सेट करो, मैंने जितना नमक डाला है उसके अकॉर्डिंग हल्दी मिर्च एडजस्ट करो, ठीक है। तो ये मेरा नमक है, ये मेरी चॉइस आ गई कि मेरे को बैकग्राउंड ब्लर करना है, बैकग्राउंड ब्लर करना है तो मैंने अपर्चर कम कर दिया, 4 पे कर दिया। तो अब देखो ये हाईलाइट हो गया, ये खुला हुआ पड़ा हुआ आईएसओ ऑटो, ठीक है, अपर्चर, शटर अभी भी नहीं मिला, शटर तीसरे में। ए का मतलब क्या है अपर्चर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी मतलब ए मतलब अपर्चर प्रायोरिटी मतलब अपर्चर मैं बताऊंगा, बाकी कैमरा कैलकुलेट करेगा। सेम अगर मैं शटर प्रायोरिटी में आ जाता हूँ एस पे, शटर स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे फास्ट मूविंग सब्जेक्ट होता है तो हाई शटर स्पेस पे कहने, तब देखो शटर की स्पीड आ रही है। अगर कोई आदमी स्टूल पे बैठा हुआ और पासपोर्ट फोटो खिंचवा रहा है तो 1/60 शटर इज एनफ। अगर कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है, हाथ में ग्लास लेकर किसी कॉकटेल पार्टी में घूम फिर रहा है, तो आपको 100-125 रखना है। कोई आदमी भाग रहा है 200-225 की स्पीड रखनी है। कोई क्रिकेट मैच टेनिस मैच हो रहा है तो 500 की स्पीड रखनी है, 1/50, 1/60, 1/100, इन सब का मतलब हुआ 1 सेकंड का इतना हिस्सा। अगर मैं 1/500 बोल रहा हूँ
तो इसका मतलब हो गया एक सेकंड का 500वां हिस्सा, तब जाके वो फोटो शार्प आएगी। एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट हाई स्पीड पे होता है उतना ज़्यादा हमें शटर बढ़ाना पड़ता है। मूविंग कार 700-800, हवाई जहाज शूट करना है 2000+, राइट, तो ये स्पीड बढ़ गई। तो एक्चुअली शटर अपर्चर ISO लाइट कंट्रोल करते हैं, जितनी ज़्यादा मैं शटर बढ़ाऊंगा उतनी लाइट इंटेंसिटी कैमरे के अंदर लाइट कम आएगी, राइट। मतलब ये लगा लो शटर अपर्चर ISO का सीन क्या हो गया कि आप बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक दीवार पे नल लगा हुआ, रसोई के अंदर नल लगा हुआ और मैं ग्लास से पानी भर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कैमरे में लाइट कहाँ से घुसती है, लेंस में से, राइट। लेंस के अंदर एक अपर्चर ब्लेड्स लगे होते हैं जो इस तरीके से खुलते बंद होते हैं, राइट। तो एक्चुअली जो अपर्चर ब्लेड्स हैं वो खिड़की कितनी बड़ी होगी या पानी का जो नल है उसका पाइप कितना मोटा पतला होगा ये तय करता है, राइट। अब मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि रसोई में एक नल लगा हुआ और उस नल में पानी आ रहा और आपके हाथ में ग्लास है, तो परफेक्ट फोटोग्राफी और परफेक्ट वीडियोग्राफी का मतलब हुआ कि आपको वो ग्लास परफेक्ट भरना है, ना पानी ओवरफ्लो होके निकल के गिरना चाहिए और ना पानी ग्लास खाली रहना चाहिए, परफेक्ट ग्लास भरना है। अब उस ग्लास को भरने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो रसोई में नल लगा हुआ पाइप, उस पाइप का डायमीटर बढ़ा दूंगा, यानी अपर्चर बढ़ा दूंगा, लेंस का अपर्चर बढ़ा दूंगा, तो ज़्यादा पानी फ्लो आएगा, ग्लास जल्दी भर जाएगा, राइट, ठीक है। तो मतलब पाइप या अपर्चर जो है लेंस के अंदर जो ब्लेड्स लगे हुए, जो खिड़की लगी हुई है छोटी बड़ी होती रहती है, वो एक्चुअली लाइट के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, कितनी लाइट अंदर जाने देनी है। खिड़की छोटी कर दो, अपर्चर कम कर दो तो लाइट कम हो जाएगी, अपर्चर बढ़ा दो, खिड़की बढ़ा दो तो लाइट बढ़ जाएगी। अब मैं कहता हूँ मेरे पास पाइप, मेरे पास लेंस ऐसा है जिसका अपर्चर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे नॉर्मल भाषा में क्या हो गया कि रसोई में जो नल लगा हुआ वो पाइप बहुत छोटा है। अब पाइप बहुत छोटा है तो पानी तो धीरे धीरे आएगा पतले पाइप में से। अब मैं क्या ऑप्शन बोलूँगा, टाइम बढ़ा दूंगा, नल के अंदर जो टूटी है उसको मैं ज़्यादा देर के लिए खोलूंगा, तभी तो वो ग्लास भरेगा जल्दी, तो इसका मतलब शटर स्पीड वो एक्चुअली नल की टूटी है जो टाइम को कंट्रोल कर रही है कि उस खिड़की को कितनी देर के लिए खोलना है, राइट। अब स्पोर्ट्स में क्या है कि सचिन तेंदुलकर ने बल्ला घुमाया, वो तो सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड घुमा के भागने लगेगा, तो मुझे शटर हाई स्पीड इसलिए रखते हैं कि उस फ्रैक्शन में शार्प फोटो चाहिए, राइट। हवाई जहाज अगर मैं 60 की स्पीड पे खींचूंगा, मैंने बोला ना 1/60 किसके लिए होता है, 1/60 होता है जब आदमी कुर्सी पे बैठा होता है, हिल नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा, हाँ 1/60 तब काफ़ी है। लेकिन हवाई जहाज के लिए 1/60 लगाऊंगा तो फोटो के अंदर सिर्फ लाइन नज़र आएगी, हवाई जहाज नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए बढ़ाना पड़ता है, राइट। अपर्चर से एक प्रॉपर्टी निकलती है बैकग्राउंड ब्लर होना, जितना ज़्यादा अपर्चर का नंबर छोटा होगा उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगी, राइट। जितना सब्जेक्ट मूविंग हाई स्पीड मूविंग होगा तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लो लाइट, शाम को फोटो खींच रहा हूँ, सूरज डूब रहा है, रोशनी कम हो गई, तो मुझे सेंसर की सेंसिविटी बढ़ानी पड़ेगी ISO। तो एक्चुअली शटर अपर्चर ISO तीनों ही लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग तीन चीजें। इसमें भी एक ट्रिक है समझने वाला, सबसे पहले किसको छेड़ू, शटर को छेड़ू, अपर्चर को छेड़ू या ISO। एक्चुअली क्या होता है, अपर्चर जो होता है ना वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है एक तरीके से, मतलब वर्चुअली नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब नुकसान नहीं करता। अपर्चर घटा बढ़ा लो, एक लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है, लैंडस्केप फोटोग्राफी के अलावा कहीं परेशान नहीं करता अपर्चर। डिफ्रैक्शन करके एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जिसकी वजह से लैंडस्केप फोटोग्राफी में डिटेल कम हो जाती है। अगर मैं F12-22 पे छोटे अपर्चर पे खींचूंगा तो लैंडस्केप फोटोग्राफी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो वो हम उतना दिमाग नहीं लगा रहे अभी। तो एक्चुअली क्या है कि अपर्चर जो है वो लॉसलेस है, वर्चुअली लॉसलेस है। आप पहले जितना मर्जी छेड़ो, जितना मर्जी बैकग्राउंड ब्लर करो, चलेगा। तो पहले मुझे लाइट कंट्रोल करनी है तो अपर्चर से करनी चाहिए। अपर्चर मतलब रसोई में जो नल लगा हुआ उसका पाइप का डायमीटर। शटर सेकंड स्टेज में आते, शटर सेकंड स्टेज में, शटर का मतलब हो गया आपका कितनी देर के लिए वो नल चालू रखना है या खिड़की खोलनी है। ISO एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है। ISO आप ये कह लो, मैंने बोला था ग्लास तो भर जाएगा इन दोनों से, नल और पाइप के डायमीटर से ग्लास भर जाएगा। ISO को आप इस तरीके से एनालॉजी लो, पानी की क्वालिटी।
जितना ज़्यादा ISO खोलोगे, सबको पता है आजकल नेगेटिव नहीं चलता, डिजिटल है, सेंसरों में क्या होता है कि कम रोशनी में जितनी ज़्यादा ISO बढ़ाते हैं 1600 3200 नॉइस आनी शुरू हो जाती है, ग्रेन्स आनी शुरू हो जाती है, तो पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। गंदा पानी थोड़ी पिएंगे, हमें तो साफ पानी चाहिए। तो जनरली ISO डिजिटल, जैसे वो होता है ना डिजिटल जूम कि जबरदस्ती जूम मारते हैं तो फोटो की क्वालिटी फटने लग जाती है, डिजिटल जूम इज जबरदस्ती जूम, जनरली हमें ऑप्टिकल जूम यूज करना चाहिए। तो उसी तरह ISO होता है, ISO मतलब लिमिट में यूज करोगे तो स्वाद अच्छा लगेगा, ओवर करोगे तो खराब करेगा, हर कैमरे में होता है ये व्यवस्था। तो ISO का ना एक दायरा होता है, हर कैमरे का एक रेंज होती है कि फ्रॉम दिस ISO टू दिस ISO इट्स बेस्ट परफॉर्मिंग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसी दायरे में रहें। अब उस दायरे से बाहर निकल के अगर मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है तो अंडरस्टूड होता है कि क्वालिटी खराब होगी। हाँ, तो इसी वजह से लाइट कंट्रोल की जब बारी आती है सबसे पहले अपर्चर से हाथ धोते हैं, फिर शटर से, और ISO क्योंकि हमें पता है कि जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो खराब करेगा, तो उसे सबसे लास्ट में रखते हैं। हाँ, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, लास्ट ऑप्शन होता है वो, ठीक है। तो उसी तरह शटर प्रायोरिटी हो रही है तो शटर के ऑप्शन पूछ रहे, देखो अपर्चर खा गया, अपर्चर ऑटोमेटिक कर दिया, लेकिन हम मैनुअल मोड में जाएंगे तो देखो सारी सेटिंग मेरे सामने खुल गई। तो इसका मतलब जैसे बच्चों की क्लास होती है, ये मेरी है फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, ये तो कलाकारी है, ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोटोन, सेपिया, एक कलर रोकना, ये तो फिल्टर हो गए। ये मेरी हो गई सेकंड क्लास सीन। ये अब जैसे वीडियो मोड है, ठीक है, फोटोग्राफी में गया PASM, ये मेरी हो गई थर्ड क्लास, ये फोर्थ फिफ्थ एक साथ आ गई, ये हो गई मेरी मास्टर क्लास, टॉप क्लास। तो एक्चुअली क्या है कि कैमरा जब आप चलाना सीखोगे तो यहाँ से शुरू करो, कुछ दिन एक हफ्ता इसमें खेलो, फिर एक हफ्ता इसमें खेलो, फिर आ जाओ आप 90% ऑटो पे पी पे, कुछ दिन इससे काम करो, फिर धीरे धीरे इन दोनों शटर और अपर्चर प्रायोरिटी को एक साथ हैंडल करो, और फिर आ जाओ मास्टर क्लास में, ठीक है। तो मतलब इनसे डरना नहीं है, एक एक करके, ठीक है, आपको पता लग गया कि जल्दी काम करना है तो आइए, ज़्यादा बढ़िया है, शाम को आराम से मूड अच्छा है, टाइम है, धीरे धीरे काम कर सकता हूँ, कोई हबड़ तबड़ नहीं है, तो सीन मोड में चला गया। अब मैं कहीं बाहर गया हूँ, मुझे प्रूव करना है, नहीं, अब मेरे को तो महीना भर हो गया कैमरा खरीदे हुए, अब तो मैं अच्छा फोटोग्राफर बन के ही दिखाऊंगा, तब आप PASM मोड पे आ जाओ। अब फोटोग्राफी में PASM दे रखा है, अब आपके मन में सवाल आएगा वीडियो वाले PASM कहाँ चले गए। अब फोटो में PASM अप्लाई होता है तो सेम लॉजिक वीडियो पे भी तो अप्लाई होता है, वीडियो के लिए आपने एक बटन बना के छोड़ा हुआ है, फोटो के लिए चार चार दे रखे हैं। तो वीडियो में जैसे ही मैं M मोड में जाऊंगा तो वीडियो का जो PASM है वो एक्चुअली यहाँ टच स्क्रीन से निकलेगा। अच्छा, अब डायल तो छोटा है, सबको यहाँ पे नहीं छाप सकते ना, सबको यहाँ पे नहीं डाल सकते, राइट। तो देखो फोटोग्राफी वाला PASM तो भारी दे रखा है, राइट, फोटोग्राफी का ऑटो, फोटोग्राफी का अपर्चर प्रायोरिटी, फोटोग्राफी का शटर प्रायोरिटी, फोटोग्राफी का मैनुअल, मतलब ये हो गया वो द्रोणाचार्य वाला मोड, गुरुजी वाला मोड। अब यही चीज़ें वीडियो में भी तो होनी चाहिए, तो वीडियो में जैसे हम गए तो वीडियो का PASM एक्चुअली यहाँ नीचे से खुलेगा। अब ये वीडियो के ऑटो में हूँ, देखो वीडियो में सिर्फ मुझे ISO बदलने दे रहा है, लेकिन वीडियो में अगर मैं मैनुअल में आ जाऊँ तो वीडियो में सारी सेटिंग बदलने देगा, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली ये वाला पन्ना कहाँ से आया, ये मेरा डिस्प्ले से आया, ये डिस्प्ले का बटन बार बार दबाने से आया, ठीक है। तो सर एक कैमरे में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड मीटरिंग, ओके, मीटरिंग, लाइट मीटर। कैमरा इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे कर रहा है कि भाई इस कमरे की लाइट में शटर कितना होना चाहिए, ISO कितना होना चाहिए, या अपर्चर कितना होना चाहिए, इसको कौन बता रहा है। एक्चुअली कैमरे के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसको बोलते हैं लाइट मीटर, राइट। और वो दुनिया में मीटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट, और एक होता है इंसिडेंट और एक होता है डायरेक्ट, ऐसे कह लो डायरेक्ट कह लो, या एक होता है इंसिडेंट लाइट मीटर होता है इस तरीके से। तो जो दुनिया के जितने मिररलेस DSLR कैमरे होते हैं उसमें इंसिडेंट होता है, ये यहाँ पे मतलब इसके अंदर भी बहुत बड़ी साइंस है, हमें मैथ्स और साइंस की अभी क्लास नहीं करनी, मतलब जनरली जो लोग फोटोग्राफी वीडियो सीखते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तीन चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है, शटर, अपर्चर, ISO। एक्चुअली शटर, अपर्चर, ISO भी धोखा खा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वे तीनों वैल्यू डिपेंडेंट होती है मीटरिंग पे, ये जो कैमरे का मीटर काम कर रहा है, अभी
लाइट मीटर, अभी देखो यहाँ पे मीटरिंग है मल्टी मीटरिंग मोड, मतलब एवरेज, ये सेंटर, ये स्पॉट, तीनों पे देखो रिजल्ट अलग आ रहा है। तो ये किसी और दिन समझेंगे मीटरिंग क्या है। जनरली दुनिया के सारे कैमरे एवरेज मीटरिंग पे होते हैं, तो हमने इसी को रखना है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैमरा बना है ये फिजिक्स और मैथ्स उसके नियम पे हैं, ठीक है। और जो मीटर है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जैसे बिजली का मीटर होता है, तराजू होता है। और ये जो मीटर है, ये जो मीटर है, ये मीटर बना है पुराने ज़माने की फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को बेस करके। ये जो मीटर आज की तारीख में जो कैमरे के अंदर मीटर चलता है वो इससे 18% ग्रे पे सेट है। एक्चुअली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना एक आध घंटे अभी उसमें लग जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को बेस, उस ज़माने में जो काम करने का तरीका होता था वो तो सारा एनालॉग मीडियम होता था, केमिकल्स होते थे, नेगेटिव होते थे, पेपर होता था, आजकल सारा डिजिटल है। तो वो पुराने ज़माने के मेथड को जब डिजिटल मीडियम में कॉपी करना शुरू करा या ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा, तो एक्चुअली इसकी दो लिमिटेशंस आ गई। मतलब ये जो मीटर है, क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं अभी नहीं बताना चाहता, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि दुनिया के जितने मीटरिंग है ना, महंगे से महंगे कैमरे का भी, वो बहुत बढ़िया कैमरा है, मतलब फ्लैगशिप कैमरा है, दुनिया के सारे इंसिडेंट मीटर जो कैमरे के अंदर लगे होते हैं वो दो केसेस में धोखा खा सकते हैं। और कैमरा जब ऑटोमेटिक काम कर रहा है, शटर अपर्चर आईएसओ कैलकुलेट कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है मीटर, मीटर जो बताएगा लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करके जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग ही शटर अपर्चर आईएसओ कैमरा सेट करेगा। अब दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये धोखा खा जाता है। तो इसका मतलब अगर वो दो केसेस इसके सामने आ गए, दो खास तरह के वीडियो के या फोटो के फ्रेम आ गए, और मीटर मुझे पता है धोखा खाएगा क्योंकि वो उसकी मैथ और साइंस के हिसाब से लिमिटेशन है, तो इसका मतलब अगर मीटर धोखा खा रहा है तो शटर अपर्चर आईएसओ भी तो गलती होगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो बैकलिट वाला ऑप्शन में बता रहा था, सूरज पीछे हो आदमी आगे, और मतलब कैमरे के आगे आदमी है और उसके पीछे सूरज है, ऐसे केस में चेहरा क्यों काला हो जाता है। मोबाइल फोन हो, कोई भी कैमरा हो, देखो काले से उजाला करेगा धीरे धीरे, लेकिन शुरू में काला ही करेगा। सूरज पीछे हो, कैमरामैन सामने हो, चेहरा काला होता है। ये वो केस है जहाँ पे मीटर धोखा खा रहा है। मतलब कैमरे का मीटर जो होता है ना जनरली, मतलब ये बात ऐसी छिड़ गई, अधूरी नॉलेज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, दुनिया के सारे मीटर 18% ग्रे पे सेट हैं। जब मीटर इनिशियलाइज होता है, कैमरा जब आँख खोलता है, तो 18% ग्रे ढूंढता है। पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए 5 शेड यूज होते थे, ग्रे कार्ड बोलते थे, मतलब परफेक्ट वाइट और परफेक्ट ब्लैक के बीच में 5 शेड बनाते थे। जो बीच का शेड होता था उसको बोलते थे मिडिल ग्रे। उस मिडिल ग्रे को साइंटिस्ट ने नापा 18% ग्रे। अब भाई 50% ग्रे क्यों नहीं लिया, 18% ग्रे क्यों लिया? 18% ग्रे को स्किन टोन से भी थोड़ा रिलेट करते हैं। 18% ग्रे कलर इज सो न्यूट्रल कि अगर उसके अंदर पीली नीली डीजे की कोई भी लाइट डाल दो, पीली नीली रोशनी कोई भी डाल दो, वो ऑलमोस्ट 18% ग्रे रहेगा। मतलब वो अफेक्ट नहीं करता, मतलब किसी भी दूसरे कलर की रोशनी में 18% ग्रे ही रहता है। तो ये पुराने ज़माने की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी, जब एंसल एडम ने ये इस्टेब्लिश करा था, तो उसने ये 5 शेड बनाए थे कि परफेक्ट वाइट एक तरफ, परफेक्ट ब्लैक एक तरफ, और बीच में ग्रे के शेड, और सबसे बीच वाला मिडिल ग्रे, मिडिल ग्रे विल बी 18% ग्रे, सो बिकॉज इट्स न्यूट्रल। इसी मेथड को, साइंस को डिजिटल कैमरे में डाल दिया। अब इसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो 18% ग्रे है। अब आप ये देखो कि ये इंसिडेंट लाइट मीटर है। इंसिडेंट लाइट मीटर है कहने का मतलब ये है कि किसी फ्रेम में कोई बंदा धूप में सफ़ेद टी शर्ट पहन के खड़ा है, तो सफ़ेद टी शर्ट जो है वो ज़्यादा ब्राइट है। ज़्यादा ब्राइट है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब सफ़ेद बंदा टी शर्ट पहन के जो खड़ा हुआ है, सफ़ेद टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, सूरज की रोशनी सफ़ेद टी शर्ट पे लग के कैमरे में ज़्यादा रोशनी डालेगी अंदर, तो इसका मतलब लाइट मीटर को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा लाइट मिल रही है। मतलब पहली गड़बड़ क्या है, पहली गड़बड़ ये है कि इंसिडेंट लाइट मीटर कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता, अंदाजन है। अब उसी जगह पे उसी बंदे को ब्लैक टी शर्ट पहना के खड़ा कर दो, तो ब्लैक कलर जो है वो लाइट अब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्टिव लाइट रिफ्लेक्ट कम करेगी, तो इसका मतलब आप उस पर्सन से, ब्लैक टी शर्ट से लाइट टकरा के कैमरे को लाइट कम आएगी।
तो सेम लाइट कंडीशन में सेम समय में सूरज की रोशनी में दो अलग अलग कलर के कपड़े पहनने से लाइट की वैल्यू बदल गई। तो इंसिडेंट मीटर को तो पहली बात तो उसका चेहरा कैलकुलेट, चेहरे का स्किन टोन सेट करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट पहना है तो रिजल्ट अलग है, काला पहना है तो रिजल्ट अलग है। तो इंसिडेंट लाइट मीटर एक्चुअली डायरेक्ट रोशनी को नहीं नाप रहा, वो जो लाइट सब्जेक्ट से टकरा के आ रही है उसको नाप रहा है। अब सब्जेक्ट का कलर क्या है वो डिसाइड करेगा कितनी लाइट कैमरे तक जाएगी। पहला धोखा तो वहीं हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो मैथ भरी हुई है मीटर के अंदर, दैट इज 18% ग्रे। इसका पहला काम ये होता है, जो भी रोशनी मिली चाहे सफ़ेद टी शर्ट पहनी हो या काली पहनी हो, अब उसके अंदर से 18% ग्रे ढूंढो। अब मैंने कैमरे को धोखा देने के लिए क्या करा है कि सामने एक वाइट बोर्ड लगा दिया, जानबूझ के वाइट बोर्ड लगा दिया। अब वाइट बोर्ड लगा दिया, मुझे दिख रहा वाइट है, लेकिन कैमरा तो आँख खोलती 18% ग्रे ढूंढेगा। अब कैमरा क्या गलती करेगा कि उस वाइट को 18% ग्रे मान लेगा, वाइट बोर्ड को। अब उसको ग्रे मान लिया तो सबके कलर बिगाड़ेगा, क्योंकि अब वो ग्रे कलर उसके लिए वाइट हो गया। तो जब सूरज के पीछे होता है आदमी बीच में और कैमरामैन पीछे होता है, तो सूरज की तेज रोशनी की वजह से वाइट का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस ज़्यादा ओवर वाइट को, ओवर लाइट को वो ग्रे मान लेता है, ग्रे मान लेता तो चेहरा काला कर देता है। इसका ऑपोजिट भी तो धोखा दे सकते हैं, वाइट बोर्ड की जगह मैं ब्लैक बोर्ड डाल देता हूँ, जानबूझ के काला बोर्ड डाल देता हूँ। काला बोर्ड डालते ही क्या होता है कि उसे काला तो दिखेगा नहीं, उसे दिखेगा ग्रे। तो वो उस ब्लैक बोर्ड को वो 18% ग्रे मान लेगा। अब उसको ग्रे मानेगा तो सबके कलर बिगाड़ेगा। ये स्लाइटली फ़र्क आता है, जैसे मान लो किसी मॉडल का मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ, उसके लंबे बाल हैं, अगर उसने बाल खुले रखे हैं तो स्किन टोन अलग होगी, और जैसे ही वो बालों को लपेट के पीछे बन बना लेगी तो वो चेहरे से ब्लैक कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लैक कम हो जाएगा, तो चेहरे का ग्लो अलग हो जाएगा, स्किन टोन अलग हो जाएगी। अगर मुझे कैमरे के बारे में ये सब फिजिकल लिमिटेशन पता हो, मैथ साइंस पता हो, तो मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ। मुझे वो ध्यान रहेगा कि इस सिचुएशन में कैमरा गलती करेगा ही करेगा, तो मैं क्या करूँगा, सूरज को पीछे लेने की जगह एंगल बदल लूँगा, या कोशिश करूँगा ब्लैक कम करूँ। अब पूरे फ्रेम में से 18% ग्रे को उठाना है, और 18% ग्रे इज़ मिडिल ग्रे और ऑल्सो रिलेटेड टू स्किन टोन। अगर मैं कैमरे का ऑटोमेटिक मीटरिंग है, पूरे फ्रेम में से ग्रे ढूंढ लो। अब इसी मीटरिंग को अगर मैं क्या कहते हैं स्पॉट मीटरिंग दे दूं, कि कैमरे को मैं बताऊं, ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन स्पॉट मीटरिंग है, लास्ट वाला, कैमरे को मैं गाइड कर रहा हूं मैनुअली कि आपको ग्रे यहां से उठाना है, तो उस केस में क्या होगा, कैमरा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कलर दिखाएगा। एक तो इसका मीटर इसलिए धोखा खाता है कि सब्जेक्ट से लाइट कितनी आ रही है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो अलग लाइट आएगी, ब्लैक कपड़े पहने तो अलग। अब जो भी लाइट आ रही है उसके अंदर से भी सेकंड कंडीशन हो गई ग्रे ढूंढना है, ग्रे भी ढूंढना है पूरे फ्रेम में से ढूंढना है, क्योंकि दुनिया के सारे कैमरे 18% ग्रे पूरे फ्रेम में से उठाते हैं। इस गलती को कम करने के लिए अगर एवरेज मीटरिंग की जगह मैं स्पॉट मीटरिंग ले लूँगा, मैनुअल मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग इज मैनुअल मीटरिंग, कि वह जहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई 18% ग्रे कहाँ से उठाना है, तो जाहिर सी बात है मैं उस टच पॉइंट को लेके स्किन टोन पे डाल दूंगा, परफेक्ट कलर आएंगे। तो ये सारे मतलब एक्चुअली एक छोटा सा डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन ने तो कैमरों की इज्जत ख़राब कर दी है, सबकी जेब में कैमरा है, लेकिन कैमरे के किसी समय में पढ़ाई होती थी, और बहुत सीरियस पढ़ाई है, सिनेमा लेवल पे तो और ज़्यादा पढ़ाई है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कैमरा खरीदा, डब्बा खोला, बैटरी डाली, कार्ड डाला और ऑटो पे सेट करा करा। कैमरे की जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, 30-30, 40-40 लाख के भी कैमरे सिनेमा लेवल पे, तो उस लेवल पे जब बड़ा पर्दा है तो जाहिर सी बात है जब इतना पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, करोड़ों रुपये लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको फिल्म की साउंड, वीडियो, कलर की क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। और अच्छे लेवल पे साउंड, ऑडियो, कलर मेंटेन करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको इसके बारे में सुबह शाम मतलब रात के 2 बजे भी उन्हें नींद से जगा दो कि बताओ भाई अपर्चर और क्या कहते हैं लेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, वो तुरंत बता देंगे इतना 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 होगा, क्योंकि उन्होंने ओवर द पीरियड उसको समझा है, सीखा है, मैथ्स है एक्चुअली इसके पीछे, टोटल मैथ्स हैं।